डिफाइन करना, कॉल करना, पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स, रिटर्न कीवर्ड, इसके अलावा हमने कीवर्ड आर्गुमेंट्स, डिफॉल्ट पैरामीटर्स और ये हमने चीजें जो हैं पिछली क्लास में कवर की थी। आज हम जो है वो एक और कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं, आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ये हमारे पास जो है कुछ आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में हम हमारे पास क्या होता है कि जब हम कोई फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे हम एक फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने यूजर डिटेल्स के नाम से जो है फंक्शन यहाँ पर जो है बना लिया है। इस यूजर डिटेल में मेरे पास सारे यूजर का नेम रिसीव होना है और ईमेल आईडी रिसीव होनी है। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें जो है ना यूजर जो है वो भेज सकता है, बट वो कितने पैरामीटर्स होंगे वी आर नॉट श्योर। ये पैरामीटर्स जो है आपके पास कितने आएंगे, तो हम यहाँ पर जो है ना वो एक पैरामीटर ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, अदर डिटेल्स, और इसको स्टार जो है वो असाइन कर देंगे। ये आर्बिट्रेरी पैरामीटर है। ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसके अंदर सारी अदर डिटेल जो है इन दो पोजिशनल आर्गुमेंट्स के अलावा जो है ना वो सारी की सारी यहाँ रिसीव हो जाएगी, और बाकी जितनी भी डिटेल होगी वो सारी की सारी जो है वो यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन यूजर के पास खत्म हो जाती है कि वो कॉल करते वक्त दो आर्गुमेंट भेजता है, 10 आर्गुमेंट भेजता है, 50 आर्गुमेंट भेजता है, क्योंकि पाइथन के अंदर आप काफी सारी लैंग्वेज आपने पढ़ी है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ओवरलोडिंग क्या होता है कि भी एक ही फंक्शन यूजर डिटेल का बना हुआ है जिसके अंदर एक पैरामीटर हो सकता है, फिर एक और फंक्शन बना हुआ है यूजर डिटेल का जिसके अंदर दो पैरामीटर हो सकते हैं, एक और फंक्शन बना हुआ है जिसके अंदर तीन पैरामीटर हो सकते हैं। फंक्शन के नाम एक हैं पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट है, तो वो फंक्शन एक ही नाम से है तो उसको ओवरलोडेड फंक्शन कहते हैं। कि यहाँ पाइथन में ओवरलोडेड नहीं, पाइथन में ओवरराइड हो जाता है, तो इसलिए हमें हम इस तरह से जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं सिंपली अभी इस फंक्शन के अंदर कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम ट्राइंग टू प्रिंट द रिसीव्ड आर्गुमेंट्स। तो मैंने दो ये प्रिंट कर लिए हैं, तीसरा जो है मैं यहाँ पर अदर डिटेल्स ये प्रिंट कर लेता हूँ। ये मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बना लिया है। अच्छा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ सो दैट मैं देख सकूँ कि अदर डिटेल में जो डिटेल जा रही है वो किस कलेक्शन में जा रही है, किस स्ट्रक्चर में जा रही है। मैं इसको यहाँ से अगर हम कॉल करना शुरू कर दें और यहाँ से मुख्तलिफ पैरामीटर जो है वो पास करना शुरू कर दें, अब इसके अलावा और भी डिटेल वो देना चाह रहा है, ठीक है, वो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार उसका फादर नेम ये होगा, उसका कॉन्टेक्ट ये होगा, उसका डेजिग्नेशन ये होगा, व्हाटएवर जितनी भी चीजें होंगी, ठीक है। ये तीन पैरामीटर्स जो हैं, ये दो तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये पोजिशनल पैरामीटर्स के अंदर जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएंगी, और आपके पास जो थर्ड वन है ये तीनों
वैल्यूज जो हैं ये इसके अंदर से ली जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं जो पोजिशनल था, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू चली गई, लेकिन ये आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट जिसने रिसीव किया है पैरामीटर ने, वो उसने उन सब को एक टपल की फॉर्म में जो है वो यहाँ पर हैंडल कर लिया। तो अब ये हमें समझ में आ गए अदर डिटेल्स में जो वैल्यू आ रही है टपल की फॉर्म में आ रही है, बट व्हाट इफ कि मुझे टपल नहीं चाहिए, मुझे वैल्यूज ही चाहिए। जाहिर मैं किसी भी कलेक्शन से वैल्यू निकालने के लिए वी विल गो फॉर अ लूप, उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, हम इन वैल्यूज को जो है वो प्रिंट करेंगे तो वो निकल आएगी। तो अब यहाँ से यूजर के पास जो है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो इसे दो तो ये आर्ग्यूमेंट्स जो है वो एडिशनल देने ही है। व्हाट इफ अगर वो नहीं देता, कोई भी दो ही आर्ग्यूमेंट्स देता है और बाकी आर्बिट्रेरी के लिए कोई वैल्यू नहीं देता है, तो हमारे पास फंक्शन चलेगा, क्योंकि वो वहाँ पॉसिबल है कोई ना आए, एक आ जाए, मोर देन वन आ जाए, तो अगर आप कम से भी भेज रहे हैं चल जाएगा। आर्बिट्रेरी जो हमारे पास पैरामीटर है इसको मैं स्टार्ट में नहीं रख सकता, शुरू में मैं कहूँ कि नेम और ईमेल इसको मैं यहाँ भेज दूँ और यहाँ से स्वैप कर दूँ तो ये नहीं वर्क करेगा ऐसा, क्योंकि जितने भी हम आर्ग्यूमेंट्स यहाँ से सेंड करेंगे वो तो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स तो इसके अंदर असाइन हो जाएंगे, क्योंकि इट कैन हैंडल एवरी वैल्यू एंड एवरी नंबर ऑफ वैल्यू, इन दोनों की बारी तो कभी आएगी नहीं। तो बस ये जहन में रहे कि आर्बिट्री नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो आपने जो पैरामीटर है वो लास्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मिड में भी आ जाएगा तो उसके बाद वाले किसी पैरामीटर के अंदर वैल्यू असाइन जो है वो नहीं हो पाएगी। तो दिस इज व्हाट आर्बिट्री नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। एक हमारे पास और चीज है, ये हमारे पास टपल में स्टोर करता है, ठीक है। अगर ये किसी पर्टिकुलर केस में ऐसा होता है, इफ वी आर पासिंग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, अगर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं तो क्या होगा। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स अगर यूजर फंक्शन को कॉल करते हुए दे रहा है, मैं यहाँ पर बुक में ही मैंने एग्जांपल देखी है, ये यूजर प्रोफाइल, एक यूजर प्रोफाइल की क्रिएट कर लेते हैं। यूजर प्रोफाइल में हमारे पास नेम है, उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है, और उसकी अदर डिटेल्स। अब फिल वक्त मैं इसको क्या करता हूँ, वैसे ही प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर मैंने प्रिंट अदर डिटेल्स, इसको मैं अभी उसी तरह लिख रहा हूँ, आर्बिट्रेरी लगा के मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन कॉल करते वक्त आई एम गोइंग टू सेंड अ कीवर्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। लाइक मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फर्स्ट मैं जो है तो नाम ये है, ठीक है, लास्ट में जो नाम है ये है, और भी कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो यहाँ पे ले लेते हैं। अब अगर इसको कॉल करता हूँ तो ये जो है फट जाएगा, ठीक है, जबकि हमें मालूम है कि we can pass keyword arguments when calling a function,
बट इन दिस सिनारियो जो है ना वो नहीं हो रहा। तो अगर आपको ये फील हो रहा है कि यार यहाँ से यूजर जो है वो कीवर्ड आर्गुमेंट भेजेगा, कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिंगल की बजाय डबल स्टार यूज कर लेंगे, ठीक है, टू स्टार्स यूज करेंगे, तो ये जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स हैं इनको जो है वो हैंडल कर लेगा। अच्छा, उसमें अब मैं इसको रन करता हूँ और इस दफा जो अदर डिटेल्स है वो हमारे पास क्या बन गई, डिक्शनरी फॉर्म हो गई। हमारे पास सिंगल एस्ट्रिक के साथ हमारे पास जो है वो टपल फॉर्म हो रहा था, और डबल एस्ट्रिक के साथ अगर मैं कीवर्ड आर्गुमेंट रिसीव कर रहा हूँ तो वो हमारे पास डिक्शनरी फॉर्म हो रही, ठीक है। पहले जो पोजिशनल है उनको पोजिशनल अगर आप रहने दें तो क्या होगा, टेस्ट है कि मुख्तलिफ सिनेरियोज में चलो जा रही, फर्स्ट नेम वहाँ चला गया, इसमें चला गया, क्या होगा, ठीक है। वैसे ही कीवर्ड के साथ अगर भेजना होगा, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ कीवर्ड आर्गुमेंट, फिर आप क्या करेंगे, डबल स्टैरिक यूज कर लेंगे। और इधर भी फिर वही तरीका है कि अब मुझे अगर इस डिक्शनरी के अंदर से वैल्यू फैच करनी है तो मैं क्या करूंगा, अभी और के इन जो भी मेरे डिक्शनरी है अदर डिटेल्स, यहाँ पर मैं प्रिंट कर सकता हूँ अदर डिटेल्स की जो है वो की पास कर, उसकी वैल्यूज जो है मेरे पास जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो उसमें से मैंने वैल्यू जो है वो प्लग कर ली है, ठीक है। ये दोनों बातें समझ में आ गई सबको, कोई सवाल है तो इसमें पूछ लें अभी इस स्टेप में, फिर हम इसके अंदर और डिटेल में जाते हैं। जी, किसी का क्वेश्चन है इसमें? सर, अगर ये जो आपने ऊपर पार लूप लगाया, अगर इसके साथ हमने ये जो डिक्शनरी की भी प्रिंट करनी है तो किस तरह करेंगे? की भी प्रिंट करनी है तो फिर यहाँ पर के कॉमा कर दिया, के में की आ जाएंगी, इधर डिक्शनरी की वैल्यूज आ जाएंगी, या सिटी कराची कॉलेज यूके, दो वैल्यूज प्रिंट करा दें, ठीक है। या मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर ये तो मैंने क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट लूप चलाया है और ये मुझे डिक्शनरी में मैंने आपको बताया था, अगर मैं यहाँ कोई फंक्शन मेंशन नहीं करूंगा, वी हैव कीज फंक्शन, वी हैव वैल्यूज फंक्शन, वी हैव आइटम्स फंक्शन, अगर मैं कोई फंक्शन मेंशन नहीं करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो है वो कीज रिटर्न करता है, और मैंने उस की का इस्तेमाल करके डिक्शनरी में से वैल्यू ऐड कर ली। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू ही चाहिए थी तो आप यहाँ वैल्यूज का फंक्शन इस्तेमाल कर लें, इसको नाम वैल्यूज कह देता हूँ, तो अब मेरे पास की नहीं आएंगी, अब मेरे पास डायरेक्ट वैल्यूज आ जाएंगी, मैं यहाँ वी प्रिंट कर दूँ, तो मुझे किसी क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ रही है, तब मुझे इंडेक्सिंग देने की जरूरत नहीं है या उसका रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। बिल्टिन फंक्शन और मेथड कौन सा वाला है भाई? अच्छा, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, या ये देखो डायरेक्ट, अगर आपको दोनों चाहिए अरे हमें ये आइटम्स इस्तेमाल कर लेंगे, आइटम हमारे पास की और वैल्यू जो है वो दोनों आ जाती है, और मैं यहाँ दोनों को प्रिंट करा देता हूँ। सर, ये डॉट आइटम्स तो हम लोग लिस्ट के अंदर यूज करते थे ना, आई थिंक सो। ना 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 ना, डिक्शनरी का फंक्शन है भाई, डिक्शनरी का फंक्शन है, लिस्ट में नहीं। सही सही सही। अच्छा, एक और एग्जांपल हम इसकी कर लेते हैं, वो रिटर्निंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी फंक्शन से रिटर्न कराते हैं, लेकिन ऐसे रिटर्न नहीं कराते कि हम डिक्शनरी जो है अपने फंक्शन के अंदर फॉर्म करते हैं,
डिक्शनरी को हम क्रिएट करेंगे और कुछ चीज़ों को हैंडल करना भी सीख लेंगे। छोटी छोटी सी बातें हैं बट ज़रा पता होनी चाहिए। जैसे हमारा यही फंक्शन है यूजर प्रोफाइल का, मैं यहाँ बना दूँ यूजर प्रोफाइल, ठीक है, यही है हमारे पास। फर्स्ट अपना नाम आएगा, लास्ट और अदर डिटेल्स। अभी हमने फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं कराया, जस्ट वैल्यूज को जो है वो प्रिंट करा। तो हमारे पास जो है फर्स्ट लास्ट अदर डिटेल्स, क्योंकि हमें डिक्शनरी रिटर्न करानी है तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डबल स्ट्रिक यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये काम हमने कर लिया, अब मैं एक यूजर प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ। तो मैंने प्रोफाइल की जो है एम्प्टी डिक्शनरी बना ली। क्या करने जा रहा हूँ अब मैं, जो मेरे पास वैल्यूज रिसीव होगी प्रोफाइल यूजर प्रोफाइल के फंक्शन में, मैं उनको जो है ये मैंने की बनाई फर्स्ट और की के अंदर फर्स्ट में रिसीव, फर्स्ट में जो वैल्यू रिसीव होगी ये वैल्यू प्रोफाइल के अंदर ऐड करा दी है, जिसकी की कौन होगी, फर्स्ट होगी। ये डिक्शनरी हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको रिवाइज नहीं कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है, आपको मालूम हो गई। प्रोफाइल फिर लास्ट की एक की बनाई, उसमें लास्ट में रिसीव होने वाली वैल्यू जो है वो हमने ले ली। अब क्या करूँ, अब अगर मैं यहाँ पर काम करता हूँ, बोलता हूँ यार प्रोफाइल और अदर्स की एक की बना दो और अदर डिटेल्स जो है वो इसके अंदर डाल दो और इन द एंड जो है वो रिटर्न कर दो, जो भी प्रोफाइल की कंप्लीट हो रही है। अब यहाँ थोड़ा सा पहले इसको करते हैं फिर इसको सीधा करेंगे। यूजर प्रोफाइल जब मैं कॉल करता हूँ, यूजर प्रोफाइल, यहाँ से यूजर जो है वो अपना नाम देना शुरू करता है, और एज डाल देते, ठीक है, लोकेशन डाल देते। इसी तरह हम सब्जेक्ट डाल देते, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पर भी कीवर्ड यूज कर सकता हूँ, मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको पोजिशनल ही डालना है तो जरूरी नहीं है। बट अगर आप देना चाह रहे हैं तो फर्स्ट और लास्ट यहाँ पर भी कीवर्ड जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, ये प्रोफाइल मैंने लिया है और इसको चला दिया, तो मेरे पास डिक्शनरी रिटर्न हो गई, जो हम डिक्शनरी रिटर्न करवाना चाहते थे एक डिक्शनरी रिटर्न हो गई। वो डिक्शनरी में फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, बट प्रॉब्लम इज कि अदर्स की जो की है उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो खुद एक डिक्शनरी, अदर्स की जो की है उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो खुद एक डिक्शनरी। जिस तरह हम यहाँ देख रहे थे कि हमारे पास टपल आ रहा था, प्रिंट कर रहे थे तो हमारे पास अदर डिटेल में पूरा टपल प्रिंट हो रहा था, तो अब यहाँ पर क्योंकि पूरी डिक्शनरी इसके अंदर बन रही है और पूरी डिक्शनरी ही सारे असाइन हो जाएगी, हमने क्या करना है इसको, हमने इसको अपडेट करना है। हम इसको करना चाह रहे कि ये अदर डिटेल्स जो है ना, जो डिक्शनरी है ये पूरी पूरी डिक्शनरी असाइन ना हो जाए, बल्कि जाहिर है मैं आप क्या करूंगा, इसमें से लूप निकाल, लूप के थ्रू वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। की और वैल्यू दोनों चाहिए, की प्रिंट वैल्यू इन
अदर डिटेल्स, ये लूप किया मैंने इसके ऊपर, और मैंने कहाँ भेजना है इसको, ये जो की और वैल्यू दोनों आ रही है मेरे पास, इन दोनों को प्रोफाइल में ऐड करना है। ओके तो मैं क्या करूँगा, अभी प्रोफाइल डिक्शनरी को कॉल करूँगा, इसकी की किसको बनाऊंगा जो वहां से की रिसीव हो रही है, इसकी वैल्यू किसको बनाऊंगा जो वहां से वैल्यू रिसीव हो रही है, ये लाइन यहाँ से स्किप करनी पड़ेगी। अब ये जितनी भी अदर डिटेल्स की डिक्शनरीज में वैल्यूज थी वो वन बाई वन जो है ऐड हो जाएगी, एज अ कलेक्शन जो है वो ऐड नहीं होगा, जस्ट लाइक दिस कलेक्शन, ये कलेक्शन के तौर पर ऐड नहीं होगा। अब ये हमारे पास सिंपली जो है सीधा सीधा ऐड हो जाएगा वन बाई वन। चलिए क्या कह रहा है, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्टेड टू अदर डिटेल्स डॉट डॉट आइटम्स करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं फंक्शन इस्तेमाल नहीं करूंगा तो सिर्फ की रिटर्न करेगा, आइटम्स मैंने कर दिया इसको। अब देखें हमारे पास फर्स्ट लास्ट एज लोकेशन सब्जेक्ट, नाउ दे कोई कलेक्शन जो है वो एज अ वैल्यू नहीं है, बल्कि उसमें से वैल्यू हमने जो है वो निकाल के डिक्शनरी के अंदर जो है वो रिटर्न करा दी, ठीक है। या हम कुछ कंडीशंस भी जो है इस्तेमाल करते हैं, एक दो एग्जांपल उसकी भी है कि भाई वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ बुक की एग्जांपल में, बल्कि इनफैक्ट ये आप लोग करें, सब लोग अगर सिस्टम पे हैं या वैसे ही कर रहे हैं इसको परफॉर्म करें जरा, आर्बिट्री ये वाला चल रहा है हमारा, ये भी मैंने आपको काम कराया यूजर इन्फो वाला, सेम ये एग्जांपल ही मैंने की है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम बाकी यूजर इन्फो में से डिटेल निकाल के वहां ऐड कर दी। अच्छा अब मैं क्या करने लगा हूं, ये वाला काम कर लेंगे 87 और 88, सबके पास बुक मौजूद होगी, वहां से भी देख सकते हैं इसको, या नहीं मिल रही बुक, बुक मैं चैट में दे देता हूँ, ठीक है जी सर। ये नहीं मिल रही तो ग्रुप में पहले ही मांग लेते कि बुक नहीं मिल रही, वही दे देंगे, चैट में दे देता हूँ मैं, पाइथन क्रैश कोर्स मैंने चैट में डाल दी है, लोड हो रही है भी आ जाएगी। ये मेरे चैट में आ गई भाई, तमाम लोग जरा ये काम करें, एट सेवन एट एट, 10 मिनट है आपके पास, 1:10 हो रहे हैं, 10 मिनट बाद में पूछता हूँ, किसी की भी स्क्रीन शेयर करा के जो है वो काम देख लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी आवाज आ रही है, बोले जी जी, ये क्या ये बुक आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं क्या, क्योंकि मैं इस वक्त मोबाइल से कनेक्ट हूँ, जरा व्हाट्सएप पे कर दें प्लीज, व्हाट्सएप पे दे दो, ठीक ठीक ओके, व्हाट्सएप ग्रुप बना दे तो
ग्रुप में किसी ने शेयर भी कराई थी अभी एक दो दिन पहले मैंने देखी, ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गई। ठीक है अभी फारे को दम करता हूँ, फारे से हो जाएगी। सही बता रहा हूँ, बिल्कुल खड़ी हो जाएगी। राइजिंग टैलेंट और अप्लाइंग करने से जो है ना वो थोड़ा टोकन शोकन मिल रहे हैं, कनेक्ट्स मिल रहे हैं। ट्रीट तो बनती है,
अभी सबसे हो रहा है ना, कोई मसला हो तो पूछ लेना, समझ में ना आ रहा हो क्या करना है। ये जो आपने एग्जांपल दिया ये शो कर दिया, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है। सही आपने एग्जांपल, एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोले सर, ये बना रहा था उसमें एक आ रहा है कि वो एल्बम टाइटल को जब वो उसमें ब्रैकेट में करके करते हैं तो नीचे सिंटेक्स सर आ रहा है कैनॉट असाइन टू लिटरल। क्यों आ रहा है सर, क्यों आ रहा है? स्क्रीन शेयर करा लें अपनी, जरा भी देखो। मैं लैपटॉप पे कर रहा था ये रिकॉर्डिंग, में फोन पे था, मैं व्हाट्सएप पे पिक भेज देता हूँ। पिक्चर भेजो सर, व्हाट्सएप पे भेज। ओके आपने दो बार इसके अंदर वो लगा दिया है ना, इक्वल टू एक एल्बम, फिर इक्वल टू लगाया, फिर आगे ब्रैकेट्स के बाद इक्वल टू लगा दिया। ओके सर, ये मेक एल्बम के, मेक एल्बम के बाद वाला इक्वल टू हटाए वो तो उसकी की बनेगी ना। ओके, सब जगह आपने ऐसे ही किया। ओके सर, हाँ मेरी स्क्रीन पे देख लें किस तरह होगा। ओके थैंक यू सर।
अच्छा भाई समवन हैज डन कर चुका है तो बताएं आगे चेक करें उसको कितनी देर में हो जाना चाहिए था वैसे यस सर बट कांट शेयर स्क्रीन क्यों भाई ऐसा क्या है स्क्रीन पे सैफुर रहमान कोई और आ जाए कोई और आ जाए करिए आज सुबह आज से बाल काट देता एक तरफ से तगड़ी कैसी लगा है तो बस बैन में नहीं आ चैट पे शेयर करते हैं चले जब पूरा नहीं है भाई इसमें और भी सेकंड पैराग्राफ भी तो लिखा हुआ है ना ये सेकंड पैराग्राफ भी है इसके अंदर जो है ये वाला काम भी तो है फिर उसके बाद ये भी करना है अपडेट करें कितना हो गया है कुछ बोले हैं ताकि पता चले काम हो रहा है नहीं हो रहा
अकाउंट तो खुलवा आएंगे दुकान में, जब अकाउंट डालो पैसे आएंगे तो कहाँ भेजोगे? अच्छा भाई, काफी टाइम हो गया आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे। लेट्स डू इट। पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या करना है हमने। ये सारा काम करना है। एक फंक्शन लिखना है हमें। मैं एक एल्बम दैट बिल्ड्स अ डिक्शनरी डिस्क्राइबिंग अ म्यूजिक एल्बम। ओके, द फंक्शन शुड टेक एन आर्टिस्ट नेम एंड एन एल्बम टाइटल। ओके, आर्टिस्ट नेम और एल्बम टाइटल and it should return a dictionary containing these two pieces of information. This should return a dictionary. वो dictionary का नाम क्या होगा? Album कह लेते। अब album में values कौन से आएंगे? Empty dictionary बनाएंगे। एल्बम के अंदर एक की लगा देंगे, आर्टिस्ट, और उसके अंदर आर्टिस्ट नेम वाली वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे। ठीक है, एल्बम के अंदर दूसरी की बनाएंगे, एल्बम टाइटल, एल्बम टाइटल। इससे हमारी डिक्शनरी क्रिएट होगी और ये डिक्शनरी जो है वो रिटर्न हो जाएगी। ये हमारे पास इतना काम हुआ है। इट शुड रिटर्न अ डिक्शनरी कंटेनिंग दीज टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, यूज द फंक्शन टू मेक थ्री डिक्शनरीज रिप्रेजेंटिंग एल्बम्स। ओके, अब तीन डिक्शनरीज बनानी है तो क्या करो, तीन दफा फंक्शन को कॉल करोगे। ठीक है, तो आर्टिस्ट नेम जो है आर्टिस्ट वन और एल्बम नेम जो है एल्बम वन। कहीं स्टोर भी करा लेता हूँ एल्बम के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर जो है उसको प्रिंट करा लेता। एल्बम वन ये है, फिर एल्बम टू, इसमें आर्टिस्ट टू और टू भी क्रिएट हो गया। इस तरह तीन क्रिएट करने को कहा है तो वी गो फॉर थर्ड वन। तीन की रीड हो। अच्छा, फिर फर्दर क्या कहा जा रहा है?
use the function to make three dictionaries representing different albums, print each return value to show that the dictionaries are storing album information correctly. ठीक है, print तो नहीं कराया आपने, but मैंने वैसे ही देख लिया, अगर print भी करा लूं तो बात पूरी हो जाएगी. print Add an optional parameter to make album that allows you to store the number of tracks on an album. Optional parameter डालना है. तो optional parameter के लिए मैं function दोबारा बना रहा हूँ. Optional parameter हम कैसे डालते हैं? Number of tracks. ठीक है. नंबर ऑफ ट्रैक्स की ऑप्शनल वैल्यू क्या दें? ऑप्शनल पैरामीटर दे, कोई वैल्यू देनी पड़ेगी हमें. दैट अलाउज यू टू स्टोर द नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन एन एल्बम. आगे जो बात है वो इंपॉर्टेंट है. इफ द कॉलिंग लाइन इंक्लूड्स अ वैल्यू, अगर कॉल करते वक्त यहां से वैल्यू जाती है तो क्या करना? इफ द कॉलिंग लाइन इंक्लूड्स अ वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ ट्रैक्स, एड दैट वैल्यू टू द एल्बम्स डिक्शनरी. और अगर नहीं जाती है तो इसी का उल्टा हो जाएगा. इफ द कॉलिंग लाइन डजंट इंक्लूड अ वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ ट्रैक्स, डोंट ऐड दैट वैल्यू टू द डिक्शनरी. तो यहाँ ऑप्शनल ट्रैक्स देना है तो मैं इसको नन कह देता हूँ. अब क्या होगा? अब मुझे डिक्शनरी में अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, एल्बम ट्रैक्स, तो मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ ट्रैक्स ठीक हो जाएगा. अब मैं इसको कॉल करता हूँ, लाइक यहाँ से मैंने कॉल किया एल्बम फोर बना के, और यहाँ से मैंने नंबर ऑफ ट्रैक्स की वैल्यू जो है वो ये पास कर दी. अभी तक तो ओके होगा, नंबर ऑफ ट्रैक्स जो है वो इसके अंदर आ रहे. व्हाट इफ अगर मैं पांचवा एल्बम क्रिएट करूं और नंबर ऑफ ट्रैक्स प्रोवाइड ना करूं तो मेरे पास, मुझे पता है डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएगी नन. बट वहां पर कुछ और बात कही गई है, वो ये है कि भाई इफ द कॉलिंग लाइन इंक्लूड्स अ वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ ट्रैक्स, अगर कॉलिंग लाइन में वो वैल्यू है तब उसको डिक्शनरी में ऐड करना, नहीं भी दिए तब भी हमने ये की जो है वो ऐड कर दी. यूजर ने नंबर ऑफ ट्रैक्स सप्लाई नहीं किया है तब भी हमने ये की ऐड कर दी है विद द वैल्यू नन. ये हमारा काम है. अब उसके लिए क्या करना है? अब यहाँ पर मुझे चेक लगाना पड़ेगा कि भाई वो पहले चेक कर ले उसको. क्या चेक लगाऊं कोई बता सकता है? नंबर ऑफ ट्रैक्स, if number of tracks sir agar wo empty na ho to add kar dena. agar unhe kaise likhunga empty na ho? empty na ho kaise likhu? number of tracks not greater than 0 greater lekin nahi to hai na. isme main ek cheez aur yahan sikhane laga hu aapko कि भाई जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ नंबर का एक वेरिएबल बनाया मैंने, ठीक है, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी. मैं यहाँ लिख रहा हूँ इफ नंबर, ठीक है, और इस पे चला देता हूँ प्रिंट. हेलो, क्या आ रहा है? ये जो मैंने काम किया है इफ नंबर, इसका मतलब होता है कि इफ देयर इज अ वैल्यू इनसाइड दिस वेरिएबल, कोई वैल्यू अगर असाइंड है इस वेरिएबल को तो ये ट्रू कंसिडर करता है, ठीक है, ट्रू कंसिडर.
अगर जीरो असाइन होगी तो बाइनरी की वजह से इसको शायद फॉल्स ले ले, मेरा ख्याल है। देखिए जीरो जो है वो फॉल्स होता है, और एनी वन ले लिया तो वो ट्रू होता है, या कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू जो अगर इसके अंदर असाइन हो गई है, ठीक है, तो ये ओके। तो यूं भी मैं चेक कर सकता हूँ कि देयर इज वैल्यू इनसाइड और नॉट, बट इफ देयर इज नो वैल्यू एम्प्टी है तो अब हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास ये नन है तो हमारे पास क्या होगा, तो सिंपली मुझे वहां कोई उसका साइज चेक नहीं करना, उसकी लेंथ चेक नहीं करनी, उसकी टाइप चेक नहीं करनी, बस इफ नंबर ऑफ ट्रैक्स अगर हैं तो ये वाली लाइन चलाना, अगर नहीं है तो ठीक है कुछ भी नहीं करना, वो ऐड नहीं होगा, एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, खुद ही ऐड नहीं होगा, मुझे मालूम है। अब इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास एक फायदा हो जाएगा कि जब ये है तो ये आ गई वैल्यू, और अगर नहीं होगी तो ये ट्रैक्स वाली की जो है वो ऐड ही नहीं होगी, उसमें एम्प्टी या नन या कोई वैल्यू जो है वो नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि वो हमने यहाँ पर चेक लगा के उसको रोक दिया। तो दिस इज, ये लिस्ट पे भी अप्लाई हो सकता है, इफ देयर आर वैल्यूज इन लिस्ट और डिक्शनरी, एम्प्टी जब तक ना हो वो चलता रहेगा, ठीक है। हमारा जो फॉर लूप है ना वो भी ऐसे ही जो है वो स्टॉप होता है, जब वो आइट्रेट करते जाते हैं लिस्ट में से डिक्शनरी में से, तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाता है, और इन द एंड जो है उसको लगता है कि वो अब सारे लोग आइट्रेट हो गए, उसके लिए लिस्ट जो है वो एम्प्टी हो गया। तो दिस इज द केस, इसको यही लिख रहा हूँ ताकि फॉर योर रेफरेंस जो है ये वाली बात के रेफरेंस में ये काम आ सके। उनके मैं काम करता हूँ, एक सेल ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ और इस वाले काम को यहाँ से निकाल के यहाँ रख देता हूँ, ये याद आ जाएगा आपको इससे कि हमने क्या काम किया यहाँ पर। ओके फर्दर आगे क्या था, ये तो ये वाली बात होगी, ऐड एन ऑप्शनल पैरामीटर टू मेक एल्बम दैट अलाउज टू स्टोर नंबर ऑफ ट्रैक्स इन एल्बम, इफ द कॉलिंग लाइन इंक्लूड्स द वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ ट्रैक्स एट द वैल्यू एल्बम डिक्शनरी मेक एटलीस्ट वन न्यू फंक्शन फॉर दैट इंक्लूड्स द नंबर ऑफ ट्रैक्स इन द एल्बम, यूजर एल्बम्स स्टार्ट विद द प्रोग्राम, इसी एक्सरसाइज को देखें, राइट अ व्हाइल लूप that allows user to enter an album's artist and title, once you have the information call make album with the user input and print the dictionary that created, be sure to include a quit value in the loop, kya keh rahe hain, kuch samajh mein aa raha hai ji sir, while loop lagana hai, haan bataye sir, ye aap keh rahe hain ki aap while loop lagate hain, infinite while loop lagaye aur jaise hi quit aa jaye to usko break kar dein, kahan lagaye while loop सर, ये अपना व्हाइल लूप लगाएं इनफिनिटी, कहां पे लगाना है सोचिए, कोई बताया भी लूप कहां लगेगा, कोई आइडिया, अब्दुल मनान जी पूछ लें सर, मैं कह रहा हूँ कि जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन कॉल को व्हाइल लूप के अंदर रखें, और जैसे ही अगर उसके अंदर कोई यूजर इनपुट नहीं देता तो उसको आप ब्रेक कर दें, जैसे आपने पहले क्लास में बताया, बिल्कुल सही कह, अब बेसिकली फंक्शन के अंदर व्हाइल लूप नहीं लगाना है मुझे, अब यहाँ लगाना है, ठीक है, मैं यहाँ पर अपना फ्लैग शलैग बना लेता हूँ टू का, यहाँ पर वाइल फ्लैग कर देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है, आर्टिस्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू इनपुट आर्टिस्ट नेम, ठीक है, और दूसरा है एल्बम टाइटल एल्बम टाइटल,
कि दो चीजें जैसे इनपुट आ जाए यूजर के पास तो यूजर क्या करे, फंक्शन कॉल कर ले मेक अंडरस्कोर एल्बम का फंक्शन कॉल करे और ये दोनों इंफॉर्मेशन जो है वहां ले जाए, आर्टिस्ट नेम और एल्बम टाइटल। ठीक है, अब ये कब तक चलेगा, एक बार जाएगी फंक्शन कॉल होगा वहां से वैल्यू रिटर्न आएगी और वो प्रिंट करा लेता हूँ मैं यहाँ पर, प्रिंट दैट डिक्शनरी। ठीक है, एंड कब करना है, हाँ भाई एंड के लिए क्या करेंगे हम, इफ लगाएंगे और लगाएंगे। तो अब वो इफ जो है वो दो दफा इनपुट ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो हो सकता है कि वो आर्टिस्ट नेम डालने के बाद एल्बम टाइटल पे क्यू दबा दे, हो सकता है वो आर्टिस्ट नेम पे क्यू दबा दे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ फ्लैग फॉल्स कर देंगे, इफ आर्टिस्ट नेम इज इक्वल टू क्यू तो फ्लैग ये यहाँ पर जी कहाँ गए थे, कहाँ थे आप, हम चलो म्यूट कर दिया मैंने। यहाँ पर भी हो सकता है और ये काम यहाँ पर भी हो सकता है, दोनों जगह से जो है वो अगर क्यू आ जाए तो फॉल्स कर दे। ब्रेक भी सर, तो फ्लैग पर फॉल्स करके हम लोग जो हैं वो ब्रेक कंडीशन भी तो यूज कर सकते थे जैसे आपने बताया था। नहीं, ब्रेक करते हैं, अगर ब्रेक यूज करना है तो फिर ये लगाने की जरूरत ही नहीं, फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दे ट्रू वाइल ट्रू, यहाँ पे सिर्फ क्या लगा दे ब्रेक, ये भी सही। फिर उसमें मैं फ्लैग बनाने की जरूरत नहीं। तो अब क्या होगा, लूप चलेगा, आर्टिस्ट नेम पूछेगा क्यों नहीं डाला तो फिर एल्बम टाइटल पूछेगा क्यों नहीं डाला तो फिर एल्बम का फंक्शन कॉल हो जाएगा और एल्बम बन के प्रिंट आ जाएगा। फिर दोबारा जैसे प्रिंट आएगा तो दोबारा आर्टिस्ट नेम पूछेगा, अगर क्यों डाल दिया तो ठीक है ब्रेक हो गया, नहीं डाला तो टाइटल पूछेगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। लेट्स सी, अब बाजार सही लग रहा है क्या, कोई लॉजिकल मसला आता है, आर्टिस्ट का नाम यहाँ पे मैंने गाने गाना भी शुरू कर दिए, डाल देता हूँ। ठीक है, एल्बम टाइटल क्या बनाऊंगे, AI नहीं AI का गाना बनाया ना, अच्छा जैसे मैं इसको चलाऊंगा मेरे पास डिक्शनरी जो है वो आनी चाहिए, आ गई। ठीक है, अब आर्टिस्ट नेम दोबारा जो है पूछ रहा, अगर मैं क्यू कर देता हूँ एट दिस पॉइंट तो ये बाहर आ गए। ठीक है, तीसरी जो हमारे पास एक कंडीशन थी इसके अंदर हमने रखी हुई थी दैट वाज नंबर ऑफ ट्रैक्स, वो भी ऐड कर लेते हैं, मामला जो है वो हमारा इनपुट ले लें नंबर ऑफ ट्रैक्स, इंटीजर करना पड़ेगा इसको, इनपुट ट्रैक्स। सर लाइन 6 पे आर्टिस्ट नेम की जगह एल्बम टाइटल नहीं आएगा, लाइन नंबर 6 पे यहाँ पर हाँ ये भी सही कह रहे हो यार, अभी मारा था तो टाइटल। ठीक है, अगर नंबर ऑफ ट्रैक्स में उसने क्या डाल दिया, इफ नंबर ऑफ ट्रैक्स, अब यहाँ पर एक मसला आएगा हमारे पास, क्या मसला आएगा कोई बता सकता है, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम सर, वो तो डिफॉल्ट वैल्यू तो नन हो जाएगी ना इसकी, इसकी नंबर ऑफ ट्रैक्स जो है हमने उसकी नंबर और डिफॉल्ट वैल्यू तो नन रखी है ना, वो तो ठीक है नन रखी है, वो डिक्शनरी में ऐड नहीं हो रहा, उसने यहां डाल दी, हां हमने उसे इंटीजर टाइप पास किया, अगर उसने क्यू डाल दिया हां तो सर वो तो नहीं रहेगा ना, हां वो तो गलत हो गया, अगर उसने क्यू एंटर कर दिया तो वो इंटीजर में टाइप पास नहीं हो पाएगा, वो एरर आ जाएगा। सही, ठीक है, तो आप क्या करें इसको, सर जरूरी है कि इंटीजर ही डाले फिर वो उसको, सर हम लोग ASCII कोड से कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर में, नहीं यार इतना लंबा नहीं काम, कुछ और सोचो सर,
ऐसा तो हमारे साथ पहले भी हुआ था, हमने हैंडल किया था सर। इंटीजर में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे नाम उसको, यहाँ पर मैं इसको ले लो इनपुट, अगर उसने डाला है यू तो मैं यहाँ पर क्या करूँ उसको, यहाँ पर डाला अगली लाइन में जो है नंबर ऑफ ट्रैक्स को यहाँ पे करना चाहिए ना, नंबर ऑफ ट्रैक्स इसको मैं क्या कर लूँ कॉल करते वक्त टाइपकास्ट को इंटीजर तो वहां से जैसे क्यों आएगा, पकड़ा गया तो ठीक है जान छूट गई, नहीं पकड़ा गया तो इधर आएगा, इधर आएगा जाने से पहले क्या करेगा नंबर ऑफ ट्रैक्स डाल, तो इधर मैंने डाला और नंबर ऑफ ट्रैक्स अभी जो है लेकिन अगर कोई और स्ट्रिंग डाल देता है s और समथिंग फिर भी ये क्रैश करेगा। हाँ अब इसमें ये है कि अगर उसमें q के अलावा हम उसको यह मैसेज देना पड़ेगा कि भाई इस बाहर निकलना है तो q ही डालना, लेकिन अगर वो कोई और स्ट्रिंग डाल देता है वहां पर तो q नहीं होता तो नंबर ऑफ ट्रैक्स फिर वो यहाँ पर एरर आ जाएगा कि वो नंबर फिर इंडियन में कन्वर्ट नहीं हुआ। अच्छा ये चीज हम हैंडल करेंगे बाद में जब एक्सेप्शन हैंडलिंग पड़ेंगे ना वहां पर इस मसले का हल निकाल लेंगे, फिर वक्त हम अपना स्कोप यहीं तक रखते हैं कि चलो यार वो डेफिनेटली वो क्यों डालेगा इंसान का बच्चा, उसको बोल रहे हैं क्यों डालो तो क्यों डालेगा। सर लेकिन हैकर्स तो डाल सकते हैं ना नंबर्स में वो, सॉरी चेंज एससीएस तक का कुछ एरर दे। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि उसका जो हल है वो हम पढ़ेंगे जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक आध क्लास में पहुंच जाएंगे वहां पर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में, फिर हम उस मसले को हल कर लेंगे ऐड को, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही जाने दें, अभी ये समझ लें कि यूजर जो है वो क्यों ही डाल सकता है, बस क्यों ही डालेगा, ठीक है। और भी यहाँ पर मैं यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ कि भाई मल्टीपल कंडीशन यहाँ लगा सकता हूँ कि अगर ठीक कोई नंबर डाले तो ठीक है ये वाला काम चल जाए, अगर क्यू के अलावा कोई और कैरेक्टर डाल दिया तब भी ब्रेक हो जाए, कर सकता हूँ यहाँ दो तीन लाइनें और ऐड करूंगा तो वो क्यू के अलावा भी कोई और स्ट्रिंग पास करेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। इस तरह नंबर ऑफ ट्रैक्स में कितनी बड़ी वैल्यू डाल सकता हूँ, कोई एक लाख वैल्यू डाल दे एक एल्बम के अंदर भाई मजाक चल जाएगा, तो वो भी लिमिटाइज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो हर किसी एक कम से कम ट्रैक्स जो है वो कितने होने चाहिए, ज्यादा जीरो किसी ने डाल दिए ट्रैक्स तो एल्बम में जीरो तो नहीं होते, कम से कम एक ट्रैक तो होना चाहिए, तो देयर कैन बी सो मैनी केसेस, ठीक है ना, बहुत सारे केसेस जो है वो इसी जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी अभी सर क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे, ये सिंटैक्स एरर आ जाएगा कि नंबर ऑफ ट्रैक्स कॉमा एल्बम टाइटल फिर इक्वल टू का साइन एंड देन क्यों नहीं कर सकते, क्या जरूरी एक ही आर्गुमेंट जाए वक्त में, कहां पर जैसे लास्ट लाइन में इफ नंबर ऑफ ट्रैक्स, हमने तीन दफा इफ की जो है कोड रखा है यहाँ पे ताकि ये कंडीशन मीट कर सके, अगर तो हम एक ही लाइन में ऐसा नहीं कर सकते कि आर्टिस्ट नेम देखो फिर वही वो हम उसके नहीं देखो सही कह रहा, उसके लिए फिर हमें वही एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ओके। अच्छा अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि आपने यूजर से इनपुट मांगा आर्टिस्ट नेम और अगर बाहर निकलना है क्यू दबा दो, जैसे क्यू प्रेस करेगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि बाहर निकलने का ऑप्शन तो आपने चार पांच लाइनों के बाद दिया, वो फौरन दूसरे इनपुट पे आ जाएगा एल्बम टाइटल दो, तो वो जो लाइन बाहर निकलने वाली है वो तो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी, जैसे हमने एंड ऑपरेटर में पढ़ा था कि भाई ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक ट्रू हो जाएगी तो वो, लेकिन उसके लिए एंड ऑपरेटर के दरमियान में इनपुट नहीं ले पा रहे थे, इनपुट हमें तीनों एक साथ लेने पड़ रहे थे, और हम यहाँ ये फंक्शनलिटी देना चाह रहे हैं कि जैसे ही वो क्यू दबाए बाहर निकल जाए, अब उसको आगे ना जाना पड़े, वो यहाँ क्यू दबा चुके हैं आर्टिस्ट नेम में फिर भी आप उससे पूछ रहे होंगे एल्बम टाइटल दो, अजीब हो जाएगा। सही है सर थैंक यू। अच्छा अब मैं इसको चलाता हूँ,
जब नंबर ऑफ टैक्स मैं नहीं दे रहा हूँ, नहीं देने पे क्या हो गया, वो एम्प्टी देने पे आ गया। अब एम्प्टी दिया तो एम्प्टी तो क्यू के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये वाली लाइन तो जो है फॉल्स हो गई। अब वो फटाफट भाग के आ गया यहाँ पर। अब एम्प्टी को जब एक इंटीजर कन्वर्ट करना है तो फिर जो है ना मसला होगा, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर इसको कुछ और तरह से हैंडल करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, एक काम ये करता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगा लेता हूँ, if number of tracks not equal to zero, एक तो ये होना चाहिए, अगर वो जीरो के बराबर नहीं है जीरो के बराबर नहीं है और क्या था सर, इस जगह हम एम्प्टी कोटेशन नहीं चेक कर सकते? इससे वो तो एम्प्टी कोटेशन तो हम चेक कर सकते हैं, लेंथ स्ट्रिंग की जीरो कर दें तो एम्प्टी हो जाएगा, वो एम्प्टी हो जाएगा, लेकिन मैं उसने अगर जीरो वैल्यू पुट कर दी मैं उसको भी हैंडल करना चाह रहा हूँ। सर जब जीरो पुट करेगा तो वो तो ऑलरेडी फंक्शन उसको हैंडल कर रहा है ना, कर लेगा ना, लेकिन किसी एल्बम में जीरो गाने तो नहीं होते ना, एक तो होता है ना, खाली कैसेट तो नहीं खरीद के लाएंगे ना, तो ये मसला है। तो वो वैल्यू जो है वो एटलीस्ट वन तो होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि भाई इनपुट जो आया है सर, ये जो फर्स्ट कंडीशन लगाई है, इफ नंबर ऑफ ट्रैक्स इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पर कोई लॉजिकल ऑपरेटर लगा के हम चेक नहीं कर सकते और या एंड करके कि इसमें नंबर ऑफ ट्रैक्स इज जीरो, या वही करना है, वही करने जा रहा हूँ, वही करने जा रहा हूँ। Okay. मैं यही करने जा रहा हूँ कि मैं पहले वो चेक करेगा कि नंबर ऑफ ट्रैक्स अगर Q के बराबर है, फिर उसके अंदर मैं एक और नेस्टेड इफ लगा रहा हूँ, फिर वो चेक करेगा इफ नंबर ऑफ ट्रैक्स जो है वो किसके बराबर है। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ना, ये तो हम लूप को ब्रेक करने के लिए कर रहे हैं, तो इससे तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ ब्रेक करूंगा तो वो जीरो इंटर करेगा तब भी लूप ब्रेक हो जाएगा। चलो लूप ब्रेक कर लेते हैं, यही सही है, कम से कम गलत वैल्यू तो नहीं जाएगी। इफ नंबर ऑफ ट्रैक्स जो है वो जीरो उसने डाल दिए, और तीसरी कंडीशन क्या है, इफ नंबर ऑफ ट्रैक्स जो है उसके अंदर जो वैल्यू आई है उसकी लेंथ जो है equal to, or I, sorry, length of number of tracks, जो भी string उसने वहाँ डाला है कि length जो है बल्कि उसकी length जो है वो zero के बराबर चाहिए। ये वाला जो check कर रहा है कि उसने value zero डाली, और ये वाला check करेगा कि अगर उसकी length ही zero यानी empty string डाल दी, तो इन सारी सूरतों में क्या कर दो भाई, ब्रेक कर दो, ठीक है। अगर ये पहला ही ट्रू हो गया, गलत हो गया, यहाँ पर नेस्टेड लगना चाहिए क्या, या इनमें से एक भी ट्रू वाली कंडीशन है, एलिफ होना चाहिए। अगर मैं क्यू की जगह एफ लगा दूं तो सर ये तो फिर सारे एफ्स के नीचे ब्रेक लगाना पड़ेगा। हाँ नहीं, हम एलिफ लगा लेते ना, यस सर, एलिफ लगा लेते, नेस्टेड नहीं लगा दे। अगर इफ नंबर ऑफ ट्रैक दिस, अगर ये फॉल्स हो गया, हाँ भाई क्यू तो नहीं डाला उसने, अच्छा दोबारा फिर चेक करो नंबर ऑफ ट्रैक जीरो है, नहीं भाई उसने जीरो भी नहीं डाला, तो फिर हमने क्या किया भाई, एलिफ किया, अगर नंबर ऑफ ट्रैक्स जो है उसकी लेंथ जीरो के बराबर है, ठीक है, तो फिर क्या कर दो, ब्रेक कर दो। लेकिन सर अगर मैं क्यू की जगह कोई और अल्फाबेट डालूं, हाँ मैं समझ गया, समझ गया, अभी उसको वो भी घुसा देते, कोई मसला नहीं, ठीक है, अभी उसको भी कर लेते हैं। इफ नंबर ऑफ ट्रैक्स इज इक्वल टू क्यू, इफ नंबर ऑफ
ट्रैक्स इक्वल टू जीरो, एलिफ लेंथ नंबर ऑफ ट्रैक्स, तो ये ब्रेक हो जाए। अगर ये कुछ भी नहीं होगा तो फिर एक एल्स लगा देता हूँ, एल्स के अंदर जो है वो क्या हो जाए, ये वाला काम हो जाए। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि अगर क्यू के बगैर अगर कुछ होगा तो फिर क्या करूँ। अब मैं यहाँ पर एक चीज लिखने जा रहा हूँ, इफ टाइप ऑफ नंबर ऑफ ट्रैक्स, जो टाइप आई वो टाइप अगर स्ट्रिंग हो जाए। सर ये चीज नहीं चल रही मेरे पास, मैंने ट्राई करी अभी, चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो अगर ये हो जाए कॉलन से लगाया मैं, कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। अगर उसने कोई भी नंबर ऑफ ट्रैक्स डाले जिसकी टाइप अगर स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, लेकिन तो मसला है ना, अगर वो नंबर भी डालेगा तो यहाँ तक तो टाइप जो है वो क्या रहेगी, स्ट्रिंग ही रहेगी उसकी, ये मसला है। सर क्या एज अल्फा वाला हम नहीं यूज कर सकते यहाँ पर जो स्ट्रिंग का? आप उस तरफ आ दें इफ नंबर ऑफ ट्रैक्स, आप उस तरफ आ दें। अगर नंबर ऑफ ट्रैक्स जो है वो क्या है, इज अल्फा है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, अगर वो अल्फाबेट हो। सर ये तीनों कंडीशंस को और करके क्यों नहीं कर सकते, इफ नंबर ऑफ ट्रैक्स इज अल्फा हो? कर सकते हैं एलिफ लगा लें और लगा लें। मैं तो अभी स्ट्रक्चर उसको देख रहा हूँ, बाद में हम उसको कस्टमाइज कर लेंगे। अगर आप और कहते हैं तो और भी जो यहाँ लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको नंबर ऑफ ट्रैक्स इज इक्वल टू और एंड या और ऑपरेटर हम कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रैक्स अल्फा हो, ठीक है, और नंबर ऑफ ट्रैक्स जो है अगर जीरो डाल दिया है, या नंबर ऑफ ट्रैक्स जो है वो क्या डाल दिया है, उसकी लेंथ जो है वो जीरो है, तो ब्रेक कर दिया जाए, एल्स जो है वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करे और उसमें डाल। ठीक है, आप मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गए। क्या कहते हैं? लेकिन अब ये क्यू शू का वेट नहीं करेगा, वट एवर अल्फाबेट प्रेस करेगा और ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मुझे अब चेंज करना पड़ेगा अपना आर्टिस्ट नेम, अब आर्टिस्ट नेम तो अल्फाबेट ही होगा, वहां पर उसको क्यू कह देते, यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर आर्टिस्ट नेम फॉर क्यू टू एग्जिट एल्बम टाइटल और क्यू टू एग्जिट, और यहां पर कह लूंगा और एनी अल्फाबेट टू एग्जिट। एनी अल्फाबेट भी एग्जिट हो जाएगा, और बल्कि इसको कुछ भी नहीं कहता हूं क्योंकि एम्प्टी छोड़ेगा तब भी एग्जिट हो जाएगा, जीरो डालेगा तब भी एग्जिट हो जाएगा, अल्फाबेट डालेगा तब भी, बस अब वो हम खुद ही एग्जिट कर देंगे अगर उसने कुछ ऐसी हरकत करी, उसको भेज देंगे। आर्टिस्ट नेम चलो जी, हमारे पास इस अल्फा के अलावा कोई और फंक्शन नहीं होता स्ट्रिंग को वो चेक करने का, स्ट्रिंग डाली डाली, इससे बेहतर और क्या चाहिए, काम तो कर रहा है। नहीं काम तो कर रहा है, लेकिन जैसे मैंने अभी इंटरनेट पर सर्च किया तो उसने लिखा था टाइप नंबर ऑफ टाइप, तो मैं कर रहा था लेकिन सर वो वर्क नहीं कर रहा। करेगा करे अब नंबर ऑफ ट्रैक्स में मैं यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट प्रेस करता हूँ तो इसको बाहर निकल जाना चाहिए, बाहर निकल गया, ठीक है। अच्छा बाहर तो निकल गया, मैंने एल्स में ही जो है ना इस फंक्शन को कॉल करना चाहिए था, यहाँ से बाहर निकल गया, ब्रेक हो गया,
तो ये वाला काम नहीं हुआ, ये वाला काम हुआ। फंक्शन कॉल क्यों नहीं चली भाई, अभी आउटपुट क्यों नहीं आया, फंक्शन कॉल क्यों नहीं हुआ? लूप ब्रेक हो गया ना, तो ये प्रिंट पीछे रखना चाहिए मुझे, क्योंकि लूप ब्रेक होगा तो ये प्रिंट भी फंक्शन कॉल ही नहीं, हमें फंक्शन तो कॉल करना चाहिए था। सही है, लेकिन अब ट्रैक्स में जो है वो ब्रेक हो गया, जब ब्रेक हो गया तो ये वाली लाइन नहीं चली, क्या मसला हो सकता है? अभी देखें, पकड़े भी शाबाश, गौर करें। सर मुझे तो लग रहा है ये इस अल्फा वाले फंक्शन नहीं वर्क कर रहा। सर एल की जरूरत इंट्रो स्ट्रिंग की वजह से तो नहीं है कन्वर्जन का कोई इशू? किसकी वजह से? इंट या स्ट्रिंग के किसी इशू की वजह से? देखो मैंने यहाँ पे लिया इंटर द नंबर ऑफ ट्रैक्स, दोबारा से देखते हैं। चलो ठीक है, फिर डब्ल्यू डाल दिए। सर हम ये भी चेक कर सकते हैं, पहले इसको किसी डमी वेरिएबल में स्टोर करके देखते हैं। हाँ अभी वही करना, अभी आहिस्ता आहिस्ता भी डिबग करना पड़ेगा। अभी मैं वैसे ड्राई रन कर रहा हूँ, ड्राई रन में हमने इनपुट वैल्यू ले ली नंबर नंबर ऑफ ट्रैक्स, उसके अंदर मैंने जो है डब्ल्यू प्लेस कर दिया। इफ नंबर ऑफ ट्रैक्स इज अल्फा, हाँ अभी अल्फा था, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, अब जब ब्रेक हो गया तो मसला क्या है? मसला ये है फंक्शन कॉल जो सर इंटीजर जो है फॉर वाली कंडीशन में नहीं है। इंटीजर जो है इफ की कंडीशन में इंटीजर नहीं ले रहा है, एल्स की कंडीशन में इंटीजर ले रहा है। हाँ ये मसला हो रहा है। एक तो मैं प्रिंट को अगर इधर करूं ताकि वो लूप में चले, हाँ तो ये ब्रेक होगा। लेकिन एक मसला ये है ना कि ये ब्रेक तो हो गया, ब्रेक हो गया ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रैक्स में जो वैल्यू है वो तो असाइन हो चुकी है, लाइक डब्ल्यू असाइन हो चुका। इस वजह से जब फंक्शन कॉल गई तो वो डब्ल्यू को लेके गई, समझ रहे हो? लेकिन सर वो डब्ल्यू को लेके तो गई तो उसने बाद में कंडीशन ये भी हो सकती है ना, हम पहले उसको चेक कर ले, अगर तीनों कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहे तब जाकर उसको स्टोर करें नंबर ऑफ ट्रैक्स में। चलो अभी नमाज का ब्रेक करते हैं, 15 मिनट बाद दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर, ब्रेक ही खत्म कर दें ब्रेक। यस सर, इन तीन दोनों को पहले ले आया था कि वो ब्रेक ना हो, पहले एल्स की कंडीशन हो जाए। चलो देखते हैं अभी 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 ब्रेक ले लेते हैं 15 मिनट का, फिर उसके बाद जो है ना तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूं रिकॉर्डिंग। ओके सर, अभी वेलकम बैक, कंटिन्यू करते हैं सर। तो हाँ भी कुछ ऐड कर रहे थे आप लोग, क्या क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इसका बताएं जरा, बोले सर। अगर ये नंबर आप ट्रैक डॉट एज अल्फा इक्वल टू क्यू हो तो ब्रेक होना चाहिए, और फिर एलएफ लगाना चाहिए नंबर आप ट्रैक्स डॉट एज अल्फा, और उसके बाद नंबर आप ट्रैक्स इक्वल टू नन कर दे, इस तरह नहीं चलेगा सर? चैट में देखे मैंने एक्सपेरिमेंट किया ना। सर चैट चेक करने उसमें एक्सप्रेशन सेंड कर दिया मैंने जी, वाइल टू
अभी आ रहे हैं हमाद नासिर जी, बोलें। सर एक सलूशन ये हो सकता है कि आप ब्रेक से पहले नंबर ऑफ ट्रैक्स इक्वल टू नन कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट के अंदर सर हम इसको एक टेस्ट वेरिएबल में स्टोर करके पहले ये ना चेक कर लें कि ये हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं या नहीं। सर हम फंक्शन के अंदर चेक नहीं लगा सकते अगर ट्रैक में वो आ रहा हो, स्ट्रिंग आ रहा हो तो वो ना क्रिएट करे। आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही, पता नहीं आप लोगों की आवाज तो नहीं आ रही है। आ रही है तो सर उसका सॉल्यूशन एक मिला है, अगर आप बोले तो मैं शेयर करूं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वेट कर रहा हूँ ताकि आप लोग ही सॉल्व करें इसको। सर आप अलाउ कर दें। अच्छा मैं अलाउ कर देता हूँ। पहले इनका फारूक पे काम देखते हैं क्या किया। ये सर बताएं क्या क्या यहाँ पर हमने क्या चेंज किया है जरा बताएं। ये जो सर मैंने ये किया है कि इस डिजिट लगा दिया, अगर देखें मैं ले तो इंटीजर वो स्ट्रिंग ही लाऊं, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर फंक्शन होता है इस डिजिट से तो चेक कर लेता है कि स्ट्रिंग डिजिट है या नहीं। अगर तो चूंकि डिजिट है तो क्या करेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, अगर नहीं है तो उसी वक्त ब्रेक कर देगा। ये काम किया है। अभी और किसी ने अगर लिखा है तो स्क्रीन शेयर करा लें अभी। सर आपको मैंने चैट में सेंड कर दिया, वो चेक कर लें। अच्छा मैं चैट में देख लेता हूँ यार। नॉट इक्वल टू क्यू एंड इज डिजिट एंड टेस्ट वन इज ग्रेटर देन 0। चल रहा है, काम कर रहा था अब्दुल्ला जी? सर ये चल रहा था। चलें गुड है। चलो तो मैं यहाँ अपडेट कर देता हूँ। अब क्या बोलता हूँ भाई, इफ नंबर ऑफ ट्रैक्स डॉट इज डिजिट स्क्रीन शेयर नहीं हो, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और सर रिकॉर्डिंग भी चेक कर लीजिएगा आपने स्टार्ट की नहीं। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? स्क्रीन शेयर हुए। ये डिजिट फॉल्स कर दिया हमने, और क्या किया था? नंबर ऑफ इक्वल टू स्ट्रिंग 0 सर, इसको स्ट्रिंग में एक वक्त में एक बोले मैं। कनेक्ट नहीं हुआ मेरा हेडफोन। अच्छा जी आप बोले एक तो एंड ऑपरेटर लगा दें। एंड ऑपरेटर लगा दो, बाकी नंबर ऑफ ट्रैक्स 0, लेंथ ऑफ ट्रैक 0, सर ये नंबर ऑफ ट्रैक्स इक्वल टू इंटीजर ऑफ 0 ले। नंबर ऑफ ट्रैक्स इक्वल टू यहां पे आपने लिखा है ना एंड, हां हां तो एंड को और ही कर दें और सर नंबर ऑफ ट्रैक्स इक्वल टू वो 0 को आप ऐसे स्ट्रिंग ले लें। हां और सर इसकी जरूरत नहीं है, और लेंथ नंबर ऑफ ट्रैक्स इक्वल इसकी जरूरत तब रही
सही है सर, अगर ये है तो ब्रेक कर दें, वरना क्या करें इंटीजर में डाल के उसको कॉल लगा दें। अब चलना चाहिए, ब्रेक हो गया। मैंने कोड लिखा है, बोले तो शेयर कर सकते। अच्छा एक मिनट अच्छा ब्रेक तो हो गया, लेकिन अभी ब्रेक क्योंकि हो गया तो प्रिंट नहीं, हमारी ये कॉल नहीं जा रही। सर प्रिंट फंक्शन को वाइल के बाहर रखना पड़ेगा, लेकिन हमें तो कॉल जो है वो हर बार चलानी है लूप में, ताकि हम जितनी बार भेजते रहे उतनी बार चलता रहे। सर वो आप सर वैलिड डालेंगे तो जाएगी ना, अगर आप नंबर ऑफ ट्रैक्स को आपकी हमारा कोड तो ये था कि नंबर ऑफ ट्रैक्स में अगर वैल्यू नहीं आ रही। सर तो केस में हम इस तरह कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रैक्स को नॉन के इक्वल सेट कर दें। नंबर ऑफ ट्रैक्स को नॉन के कॉलिंग फंक्शन है ना, कॉलिंग फंक्शन को ब्रेक के इमीडिएटली बाद लिख दीजिए। कौन से वाले ब्रेक के? दोनों सूत्रों में सर, जो ये जैसे ब्रेक की है ना एल्स से पहले, क्योंकि हमें दोनों सूत्रों में इसको रन करना है ना। हाँ तो आई थिंक इट शुड बी प्लेस्ड हियर एज वेल। सर इसको ब्रेक करने की जगह हम नन कर देना, सेट कर देना इसको नंबर ऑफ ट्रैक्स को। अगर मैं यहां पर कॉल लगाऊं और ब्रेक करूं, ये कह रहे थे पहले सर ब्रेक के इमीडिएटली बाद वो जो चीज लिखी होती है उसे एग्जीक्यूट करेगा ना, तो इस प्रिंट को इस ब्रेक के बाद क्यों नहीं लगाते? नहीं, लूप ब्रेक हो जाएगा ना। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। ओके, पूरा लूप लूप पूरा ब्रेक हो जाएगा। ओह यस 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 यस। अच्छा इस पे जो है इस पे खुद ही वर्किंग करिएगा, ठीक है? और पॉसिबिलिटी हमने देख तो ली क्या क्या हमारे पास केसेस आ रहे हैं इस ट्रैक की वजह से। सब लोग इसको ट्राई करेगा मुख्तलिफ जगहों पे। ठीक है सर, सर को ट्राई करेंगे इस मेंशन। ठीक है अच्छा, अभी इसमें एक मसला ये देखो, अगर नंबर ऑफ ट्रैक्स जो है सबसे बड़ा इशू मुझे आ रहा है जिसकी वजह से मैं रोक रहा हूँ, उसमें टाइम लगेगा, वो ये है कि नंबर ऑफ ट्रैक्स अगर उसने गलत डाल दिए तो मुझे लूप तो नहीं ब्रेक होना चाहिए ना। दिस वॉज एन इनपुट वैल्यू, अगर उसने नहीं भी डाले हैं तो कोई बात नहीं, डिक्शनरी बननी चाहिए बगैर नंबर ऑफ ट्रैक के और लूप आगे बढ़ना चाहिए। सर आप दोबारा चलना चाहिए होना उसके अंदर इंटीजर के अंदर ही होना चाहिए, स्ट्रिंग में अगर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, अगर उसने वैल्यू गलत डाल दी है या वैल्यू नहीं डाली है तो इसका मतलब है वो ट्रैक्स नहीं बताना चाह रहा। ऐसी सूरत में डिक्शनरी तो क्रिएट होनी चाहिए ना, और डिक्शनरी जब एक क्रिएट हो गई तो वो दोबारा उसको लूप चलना चाहिए, दोबारा उसको आर्टिस्ट नेम पूछना चाहिए। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर हम ट्रैक की एम्प्टी वैल्यू पर या ट्रैक की गलत वैल्यू पर हम ट्रैक को नन वैल्यू असाइन करने के बजाय या कोई वैल्यू ना असाइन करें हम लूप को ब्रेक करा दे रहे हैं, जिससे हमारा पूरा प्रोग्राम ही खत्म हो जा रहा है। जबकि अगर यूजर वैल्यू नहीं दे रहा तो प्रोग्राम नहीं खत्म होना चाहिए, सिर्फ वो डिक्शनरी विदाउट ट्रैक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, मुद्दा समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? ये मसला ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक को यहाँ से हटा देंगे और नॉर्मल इसमें नेस्टेड इफ की कंडीशन लग जाएगी कि अगर ऐसा है तो उसको उसके साथ क्रिएट कर दे। हाँ ये जो मैं शुरू में कोशिश कर रहा था कि मैं उसको उसी तरह हैंडल करूँ, लेकिन जा रहे चलो सबको इन्वॉल्व करना था तो अभी बात समझ में आ गई। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर नंबर ऑफ ट्रैक्स वो नहीं दे रहा है तो मेरा लूप ही ब्रेक हो जा रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ ट्रैक्स नहीं दे रहा तो डिक्शनरी क्रिएट होनी चाहिए विदाउट नंबर ऑफ ट्रैक्स और नेक्स्ट दोबारा वो इनपुट मांगना चाहिए, उससे लूप ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर वर्किंग जो है वो करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे हैंडल करें इसको। नेस्टेड इफ से करेंगे मेरे ख्याल से या एलिफ के थ्रू करेंगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगी। ठीक है अच्छा, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने काम पिछले दफा कर लिया था, पासिंग मॉडिफाइंग लिस्ट वगैरह का, आर्बिट्री नंबर आर्गुमेंट्स भी हमने, कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी देख लिया है। अभी हम काम करने जा रहे हैं मॉड्यूल्स का,
अच्छा मॉड्यूल से पहले मैंने आप लोगों को ग्रुप में पोस्ट किया था कि तमाम लोग जो है ना वो अपने गिटहब के ऊपर जो है वो अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लें। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ यार कितने लोगों की जो है ना वहाँ पर आ गए हैं। ऑनलाइन वाले हैं या ऑनसाइट वाले कुछ लोगों की डिटेल आ रही है अकाउंट नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों भाई सिर्फ 44 लोग हैं सर मैं इंशाल्लाह आज रात तक डाल दूंगा। चलो ठीक है अच्छा इसके अंदर अभी हम जो काम शुरू करने जा रहे हैं हमें मॉड्यूल्स पढ़ने हैं लेकिन हमें थोड़ा सा जो है वो गिट और गिटहब भी जो है ना वो पढ़ना है। कोई बता सकता है What is Git? सर क्या कहते हैं ये एक वो वेबसाइट सी है कम्युनिटी सोर्स है जहाँ पे सारे अपने कोड आपस में शेयर करते हैं मतलब कम्युनिटी डिफरेंट लैंग्वेजेस के और आपस में मतलब के काम वगैरह डिफरेंट ओपन सोर्स भी अवेलेबल होते हैं यहाँ से कोड यूज भी कर सकते हैं आपस में शेयरिंग भी करते हैं कॉर्पोरेशन भी आपस में यूज करते हैं। जबरदस्त और कोई एक इम्पोर्टेंट बात मिसिंग है आपकी बात में वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम टूल है सर इसमें एक्चुअली कोलैबोरेशन में काम होता है किसी भी जगह एक वक्त में एक बोले एक वक्त में एक बोले दो तीन लोगों की आवाजें आ रही हैं। सर इसमें ये होता है कि आप डिफरेंट प्लेसेस से बैठ के एट ए टाइम कोलैबोरेशन में किसी भी टीम के साथ आप काम कर सकते हैं अपना जो भी आप प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं कोई काम कर रहे हैं ओपन सोर्स होता है इस पे आप इजीली किसी को भी एसेस दे सकते हैं अपने कोड पे और किसी से भी एसेस ले सकते हैं उसके कोड के लिए ताकि उससे कोलैबोरेशन में काम कर सके। ठीक है और कोई भी बताएं सर ये सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए यूज होता है ताकि आपका कोड जो उनसे वो यूज भी यूजेबल हो जाए मुख्तलिफ लोगों के ध्यान में। ठीक है तो बेसिकली जो हमारे पास आपकी आवाज स्लो आ रही है यार थोड़ा सा लाउडली बोले। सर ये सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए होता है ताकि हम बोल रहे थे ना उनको बोलने दे किसकी आवाज जो स्लो आ रही थी मेरे पास चले बोले यहाँ सब पहले तो हमारे पास जो है ये प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग सिस्टम है और बाकी सारी बातें जो है ना वो तो इस एक के अंडर में जो है वो आ जाती है वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम में। ठीक है अच्छा वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम की जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बताना चाहिए वर्जन्स क्या होते हैं। ठीक है सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोडक्ट जब बना रहे होते हैं जारे कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हैं वो मुख्तलिफ स्टेप्स से गुजर रही होती है और इर्तकाई प्रोसेस चल रहा होता है उसका तो हर दफ़ा जो है नई नई चीज़ें जो है वो अपडेट हो रही होती हैं। हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जो हमारी इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सके। हम खुद भी मैनेज कर लेते हैं लाइक मैं अपना ये यहाँ पर मैनेज कर रहा हूँ देखो अब ये क्या है मैं हर हफ्ते की क्लास का जो है फोल्डर बना रहा हूँ मैं अपने हिसाब से जो है ना मैनुअली अपनी क्लासेस का वर्जन जो है वो कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है मुझे किसी भी क्लास पर जाना है और ये मैं वहां से जाके उसकी डिटेल जो है वो निकाल लूंगा उसके
नोटबुक निकाल लूंगा, ये निकाल लूंगा, निकाल लूंगा. बट वॉट इफ ये बहुत सारी हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये मेरे पास बहुत बड़ा फोल्डर हो जाएगा और बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा और मुझे मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, मेरी मेमोरी जो है ना वो ज्यादा हो जाएगी. दूसरा कि मेरे पास अब मेरे सिस्टम के अंदर है, ठीक है, और मसला है अभी तो क्योंकि मेरी हर फाइल जो है वो डिफरेंट होती है, तो ठीक है अगर मैं एक ही फाइल पे काम कर रहा हूँ तो एक ही फाइल के अंदर कोड को बार 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 लिखते रहना, लिखते रहने से जो है और नई नई डेट में उनको सेव करता रहूँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन जाएगा. अगर प्रोजेक्ट 6 महीने 1 साल चल रहा है तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ फाइल्स एंड अ लॉट ऑफ फोल्डर्स जिनको याद रखना कि किस में क्या था क्या नहीं था बड़ा मुश्किल हो जाएगा. हम उसके लिए जो है वो एक अलग से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए ये सारा काम हमारे बिहाफ पे करता है, ठीक है. वो हम सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, किट डाउनलोड करेंगे. बाद लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, बाद लोग नहीं कर रहे होंगे, अब से जो है उसको समझ लें. पहला ही लिंक जो आपके पास आएगा आप उसको डाउनलोड कर लें, विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए, मैक के लिए. डाउनलोड करने के बाद जाहिर है आपने इंस्टॉल करना है. जब आपके पास इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो फिर आप यहाँ पर अगर जैसे देखेंगे तो इंस्टॉलेशन अगर हुई भी है तो ये तमाम चीज़ें आपके पास यहाँ नज़र आ रही होंगी, विद बैश की टी यू आई गिट सी एम डी, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा. अब आपने अच्छा ये आपके अभी लोकल लोकल सिस्टम के अंदर है ना, लोकल सिस्टम के अंदर भी आप काम करते रहें, वर्जन्स जो है वो बनाते रहें, दैट्स वेरी गुड. लेकिन अभी भी वी आर ऑन स्टैक के सिस्टम अगर ख़राब हो जाता है या टूट फूट जाता है, कुछ हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या हो जाती हैं, ज़ाया हो जाएंगी. सिस्टम आप बना हुआ है, कंट्रोलिंग सिस्टम आपने बनाया हुआ है, लेकिन इन द एंड अगर वो सिस्टम ही ख़राब हो गया तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, सब चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी. तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम क्लाउड पे रखें. क्लाउड पे जैसे हम गूगल ड्राइव पे रखते हैं और भी मुख्तलिफ रिपॉजिटरीज की सोर्सेज हैं जो हमारे पास फ्री अवेलेबल हैं, हम वहाँ पर जो है ना अपना रखते जा रहे हैं. ख़ास तौर पे गिट के लिए जो हम क्लाउड यूज करते हैं गिटहब, तो आप इंस्टॉल करने के बाद आपको एक अकाउंट जो है वो यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है. जो आप ज़्यादातर लोगों ने बना लिया है, साइन इन वगैरह कर लेंगे, हम क्लाउड के बाद में यानी पहले लोकल में जो है वो काम करते हैं. आपने क्या करना है, लाइक मैं आज की डेट में काम कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है, यहाँ मैं अपना कुछ जो है वो कमांड्स हैं वो हमने एग्जीक्यूट करनी होंगी. मैं उनको लिखता भी जाता हूँ यहाँ पर. सबसे पहले जो मेरे पास 4-5 ही फिलवक्त आपको जो है वो याद, प्री रिक्वेस्टेड क्या है सर, मतलब हमें क्या, मतलब जेट के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस कोड कर रहे हैं और ये कमांड जो है वो हम, मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पर, उनको एग्जीक्यूट भी करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी. सर ये कोई लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्या जेट, मतलब? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कमांड है, सिर्फ कमांड है. ड्रैग एंड ड्रॉप्स भी है, उसका जीयूआई वर्जन भी होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी फिल वक्त आप कमांड लाइन से करें. जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो
गिट के अंदर में आ जाएगी ना, ठीक है। तो आप अब मैं इस कमांड को यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ तो यू एस की मुझे हमारे पास जो एक फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, यानी ये सिस्टम इट्स ये वर्किंग डायरेक्टरी जो है वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम के अम्ब्रेला के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगी। अब जब कमांड किया तो आपने कहा कि भाई एम्प्टी गिट रिपोजिटरी जो है वो इधर जो है बना दी गई। लेट्स सी, हमने फोल्डर में जाके देखते हैं, यहाँ मुझे नजर नहीं आ रही क्योंकि वो हिडन फाइल है, उसको हिडन इसलिए रखी गई है कि आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ना उसे खोल के देखना है ना कुछ करना है, करेंगे ये आपके पास ये फाइल यहाँ पर नजर आ रही है, फोल्डर नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हिडन नहीं रहना सर, मैंने एक चीज पूछनी थी। जी मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोले बोले, आवाज आ रही है। सर गिट में जैसे आप कह रहे हैं कमांड के थ्रू हम गिट बनाते हैं, तो हम अगर गिटहब पे रिपोजिटरी को क्लोन करें तब भी तो ये बना देते हैं गिट के फोल्डर? स्टेज स्टेप्स स्टेप्स में देखेंगे ना, पहले हम अपना कोड जो है उसको गिटहब पे ले जाना सीखेंगे, फिर वहाँ गिटहब से कोड वापस लाना भी सीखेंगे, दोनों ए और बी साइड दोनों सीखेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी हम क्या सीख रहे हैं कि हम सिंपली किस तरह अपने लोकल सिस्टम पे वर्जन बनाया है उसको क्लाउड रिपोजिटरी में कैसे रखें ताकि वो इजी टू एक्सेसिबल हो जाए फ्रॉम एनीवेयर और वो सेव भी हो जाए और जाया ना हो। पहली कमांड जो हमने की ना वो गिट इनिट करिए। अच्छा, अगर आप अपना सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप ये एक दफा चलाने की कमांड है, मैं इधर लिख भी देता हूँ, ठीक है, वन टाइम कमांड। वो क्या है, वो की कॉन्फ़िगरेशन, गिट कॉन्फ़िग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट नेम। इससे आपका यूजर नेम जो है वो बन जाता है, जब भी आप कुछ भी रिपोजिटरी में रखेंगे क्लाउड पर डालेंगे तो वो आ रहा होगा कि वो किसने डाला है कब डाला है, यूजर डॉट नेम कोटेशन में जो है अपना नाम डाल। ठीक है, तीसरी जो है वो आप गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, यहाँ पर जो है ना वो अपनी ईमेल आईडी जो है वो ऐड करा सकते हैं। ये वन टाइम चलेंगी तो इसको मैं टू नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यूजुअल कमांड्स अलग होंगी, ये एक दफा आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि जब आप कमेंट वगैरह कर रहे होंगे या डाल रहे होंगे तो वहाँ आपका नाम नहीं आ रहा होगा, वहाँ किसी और का नाम आ रहा होगा, तो आप परेशान होंगे। सर चीज समझ में नहीं आ रही सर, जैसे कि आप नासिर और abcs.com लिखा है, तो अगर मैं अपना कोई जेट हब बनाता हूं तो सर मेरा मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा यूजर नेम क्या है, मतलब यूजर नेम कौन सा वाला डालता हूं अपना? एक्सप्लेन। असल में एक सिस्टम के ऊपर जो है ना वो एक ही यूजर यूज कर रहा होगा गेट को, ठीक है। इन केस इफ यू डोंट नो कि भी आपका यूजर नेम क्या था तो आप यहां पर गेट यूजर डॉट नेम करेंगे, वो रिटर्न कर देगा गिट सॉरी यूजर डॉट नेम, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, आ रहा है। इसी तरह गिट कॉन्फिग यूजर डॉट ईमेल करेंगे तो ईमेल भी जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है, जो ईमेल सेट हुआ। अच्छा, आप जब आप सिस्टम यूज करेंगे हो सकता है कोई और यूज कर रहा हो, उसने अपनी कॉन्फ़िगरेशन की हुई हो, तो आप जो है ना वो परेशान हो जाएंगे कि ये अब दो यूजर बन तो जाएंगे, बट ऐसा हो सकता है कि जब आप सोर्स कोड को अपने कोड को या अपनी फाइल्स को जब वहाँ ले जाएंगे तो वहाँ पुराना ही नाम लिखा हुआ
उसके लिए आप यहाँ पर जो है ना क्रीडेंशियल मैनेजर में सी आर ई लिखेंगे तो क्रीडेंशियल मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पर आ रहे हैं विंडोज क्रीडेंशियल्स, यहाँ पर ये गिट के क्रीडेंशियल आते हैं। देखें जो ये गिटहब डॉट कॉम आ रहा है, इसमें मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पर आता है क्रीडेंशियल, इसको रिमूव कर दें एंड एड अ न्यू क्रीडेंशियल। मैंने इसको रिमूव कर दिया तो होपफुली ये पुराना वाला क्रीडेंशियल जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब मैं अपने गिट सिस्टम के अंदर नई क्रीडेंशियल जो है वो कन्फिगर कर लूँगा। अभी शायद पता नहीं आएगा नहीं आएगा, नया जब दोबारा इनिशियलाइज करूंगा, अभी इनिशियलाइज हो गया है उसी क्रीडेंशियल के ऊपर, तो इस वजह से पुराना वाला क्रीडेंशियल जो आ रहा है। तो आप इनिशियलाइज करने से पहले अपने क्रीडेंशियल जो है वहां से क्रीडेंशियल मैनेजर से जाके रिमूव कर लेंगे, फिर दोबारा से इनिशियलाइज करेंगे तो इट विल वर्क। मैं दोबारा से री इनिशियलाइज करती हूँ, यहाँ री इनिशियलाइज लिखा हुआ है। ये इनिशियलाइज भी आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में वन टाइम कमांड होती है। मैं इसको यहाँ पर भी गिट इनिट, ये भी विल बी रन जस्ट वन टाइम इन अ रेपो, एक इनर फोल्डर, एक फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अब मेरे इस फोल्डर के अंदर जो है वो गिट जो है वो इनिशियलाइज हुआ हुआ है। मेरी फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं, अब ये 28 का मैं काम कर रहा हूँ, ये अभी तक का काम मैंने इसका एक वर्जन बना के सेव कर देना, ठीक है। मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, गिट मेरे फोल्डर में मौजूद है, मैं अपनी इन फाइल्स को गिट को सौंप रहा हूँ, गिट के हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं दूसरी कमांड चलाऊंगा, गिट स्टेटस, ये मेरी सेकंड कमांड है, पहली गिट इनिट है, दूसरी गिट स्टेटस है। जैसे ही मैं स्टेटस रन करूँगा, यहाँ कुछ डिटेल आ रही है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो डिटेल क्या है, जब मैंने स्टेटस यहाँ पे किया कमांड, मैं ये कमांड भी यहाँ अपडेट कर देता हूँ, गेट स्टेटस, ठीक है। तो स्टेटस की कमांड जैसे मैंने एग्जीक्यूट की है तो मुझे पास क्या डिटेल आ रही है, तो ये है कि ऑन ब्रांच मास्टर, सबसे पहली बात तो ये, देखो ये ब्रांच मास्टर क्या होता है, जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो जैसे मैंने ही अभी ये फोल्डर क्रिएट किया है, तो ये मेरा ओरिजिनल फोल्डर है, जिसे मास्टर कॉपी कहते हैं, यानी मेरा प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है। अच्छा, जो लाइव प्रोजेक्ट होते हैं, चल रहे होते हैं, तो वो मास्टर में, मास्टर से रन हो रहे होते हैं, डिप्लॉय हुए होते हैं, मास्टर से रन हो रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे डेवलपर उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो मास्टर पे काम नहीं कर रहे होते, वो एक लेवल नीचे काम कर रहे होते हैं। मैं इसको यहाँ पर दिखाऊँ आपको कि हमारे पास ये हमारी मास्टर प्रोजेक्ट है, ठीक है, यानी ये ब्रांच जो है वो मास्टर है। तो अगर डेवलपर वन जो है वो काम कर रहा है, तो इस ब्रांच की जो है ना कॉपी ब्रांच बनाएगा, दूसरा डेवलपर इसकी कॉपी ब्रांच बनाएगा, तीसरा डेवलपर इसकी कॉपी ब्रांच बनाएगा। तो हर डेवलपर जो है वो अपनी ब्रांच का नाम खुद रखेगा, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकता है, ब्रांच वन, ब्रांच टू, जो भी आप नाम रखना चाहें, जो भी यूजर होगा वो नाम रखेगा। अब होगा क्या, ब्रांच हर बंदा जो है वो जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, मैं ये भी हो सकता है कि मैं इसके नीचे भी एक ब्रांच जो है वो क्रिएट कर लूँ, ठीक है, सेकेंडरी ब्रांच कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो सेकेंडरी से क्या होगा कि यूजर जो है जब वो अपना कोड कर लेगा यहाँ पर, जो भी कोड उसने किया है, ठीक है, तो वो यूजर मुझे, क्योंकि मैं अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो एक टीम लीड है, ये हायरार्की है, एक बंदा जो है ना वो यहाँ टीम लीड है और ये सारे डेवलपर, और ये सारे डेवलपर जब काम कर लेंगे तो क्या प्रोजेक्ट मैनेजर इस सारे काम को डायरेक्ट अपनी मास्टर ब्रांच में ले जाके मर्ज कर देगा, मिला देगा? नहीं। पहले क्या होगा, ये प्रोसेस बता रहा हूँ क्या होता है आमतौर पे। प्रोसेस पहले क्या होता है, ये अपनी ब्रांच में काम डालने के बाद, वर्जन बनाने के बाद, अपना वर्जन बनाने के बाद, ये अपने टीम लीड को या अपने ब्रांच मैनेजर को या अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को पीआर भेजेगा, पीआर भेजेगा। पीआर क्या होती है, पीआर हमारे पास होती है पुल रिक्वेस्ट। अभी ये मैंने काम किया है, ठीक है, इसको अपने पास पुल कर लो, यानी अपनी ब्रांच में ऐड कर लो, ठीक है। इसी तरह से ये जो दूसरे बंदे हैं, ये भी जाने से पहले अपनी क्या करेंगे, पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे, ये भी अपनी पुल रिक्वेस्ट बनाएगा। अब कोई किसी फीचर पे काम कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट किसी फीचर पे काम कर रहा है, कोई डिजाइन पे कर रहा है, कोई एपीआई पे कर रहा है, कोई फला चीज पे काम कर रहा है, कोई चैट बॉट बॉट पे काम कर रहा है, तो हर बंदा जो है अपनी पुल रिक्वेस्ट बनाएगा। वो पुल रिक्वेस्ट किसके नाम बना सकता है, वो पुल रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हायरार्की में काम कर रहे हैं तो वो टीम लीड को बोलेंगे। अब टीम लीड पहले उसका सारा कोड चेक करेगा, वो ये वाला जो वर्जन है ऊपर वाला, ये डिप्लॉयड है, ठीक है, ये चल रहा है, और ये वाला जो है ये आपके पास डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट रिपीट कर दे, आपकी आवाज लैग हो रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमने सेकेंडरी ब्रांच बनाई हुई है, मास्टर की कॉपी बनाई हुई, ये डेवलपमेंट मोड में है रखा हुआ इसको, और ये वाला जो है ये प्रोडक्शन मोड है या डिप्लॉयड मोड है, प्रोडक्शन भी कह देते हैं इसको, कि ये जो है ना प्रोडक्शन में चल रही है, डिप्लॉयड हुई। तो अगर मैं बगैर चेक किए खुदा ने खास्ता क्या करता हूँ, अपने डेवलपर का कोड जो है मास्टर में मर्ज कर देता हूँ, और इसमें कोई बग होता है तो क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि ये मेरी डिप्लॉयड रनिंग ऐप जो है वो हो सकता है क्रैश हो जाए, हो सकता है कोई सीरियस बग आ जाए। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको डेवलपमेंट मोड वाली एप्लीकेशन में टेस्ट करते हैं कि इफ इट इज वर्किंग ऑल राइट। तो फिर जो टीम लीड है ये अपनी पीआर बनाएगा कि भाई मैंने चेक कर लिया है, ठीक है, मैंने अपने पास मर्ज कर लिया है चेक करके, और मैं आपको पीआर भेज रहा हूँ। अगर आप, अब ये इस पर डिपेंड करता है, ये टीम लीड की बात ऐसे ही मान लेता है आँख बंद करके, यार ठीक है उसने चेक कर लिया होगा तो ठीक है, बात अपने कोड में मर्ज कर देगा और वो चेंजेस जो है यूजर्स के लिए अपडेट होते हैं। इसी तरह हर बंदा अपनी जो है ना वो देता है। तो ये आपके पास मास्टर ब्रांच होगी, ये आपके पास जो है ना वो सेकेंडरी ब्रांचेस हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं। इन द एंड क्या होता है, सारा काम जो है वो हम मर्ज करके प्रोडक्शन में या डेवलपमेंट वाले ब्रांच के अंदर ले जाते हैं ताकि हमारा काम जो है वो हो सके, ठीक है। तो ये जो वर्ड यहाँ मास्टर का आया था, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अगर हम लोग बग वाली फाइल को डायरेक्ट मास्टर में डाल देंगे तो उससे क्या मसला आ जाएगा, क्योंकि अगर मास्टर वाली एप्लीकेशन रनिंग मोड में है, सर्वर पे डिप्लॉयड है, यूजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्रैश हो जाएगी ना, या हो सकता है कोई फंक्शनैलिटी जो है वो सही काम ना करे। सर अजाइल फ्रेमवर्क भी तो यही है ना, अजाइल फ्रेमवर्क में, अजाइल फ्रेमवर्क भी तो इसी मेथोडोलॉजी पे काम कर रहा होता है। हां हां बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, स्क्रम मास्टर उसको वेरीफाई करने के बाद स्प्रिंट और रिलीजेस में फिर वो उसको डेवलपमेंट में डाल देते हैं, ऐसे ही, ऐसे ही, राइट, थैंक यू सर। ये डिफरेंट डिफरेंट ही चीजें हैं, अजाइल, स्क्रम, और उसके बाद ये जो हमारे पास वर्जन कंट्रोलिंग है, गिटहब। गिटहब को बेसिकली स्पेसिफिकली वो तो एक मेथोडोलॉजी है ना, कर रहे होते हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं, वो एक अजाइल, स्क्रम और जितने वाटरफॉल और जितने भी ये सारे मूड्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, ये मूड्स हैं ना, ये तो मैं एक जनरल छोटा सा लाइफ साइकिल बता रहा हूँ कि उसको
हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। अब अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर बैठ के कोई दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टाइल इस्तेमाल करे तो वो करे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई पर्टिकुलर जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टाइल है। मैं तो सिर्फ एक बात, छोटे छोटे कीवर्ड्स जो हैं जो इस्तेमाल होते हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप उसको यूज करें तो वो आपको कीवर्ड्स पता हो। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज अ समथिंग पर्टिकुलर कोई फ्रेमवर्क है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, नहीं, ये तो मैं अपनी तरफ से एक सिनेरियो क्रिएट करके जो है वो बता रहा हूँ। अब वो अजाइल से मैच हो जाए, किसी और से मैच हो जाए, कोई बात ओके ठीक है। अब जो ब्रांच को मैंने एक्सप्लेन किया है तो ये मुख्तलिफ ब्रांचें बनती हैं, ठीक है ना। कोई दूसरा यूजर आएगा वो एक नई ब्रांच बना लेगा, या मैं खुद ही इसकी एक और ब्रांच बना लेता हूँ, ठीक है। और वो ब्रांचेस बनाना हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, एक कमांड से बन जाती है। अच्छा, दूसरी बात, नो कमिट्स गेट। कमिट्स का मतलब क्या होता है? कमिट का वर्ड इस्तेमाल होता है मेकिंग वर्जन। जब मैं कहता हूँ कि मैंने कमिट कर दिया है, इसका मतलब मैंने जितना भी काम किया था उसका एक नया वर्जन क्रिएट कर दिया। आपसे हमेशा कहा जाता है कि आप सोर्स, जब ऑफिस में काम करते हैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी प्रोडक्ट पे काम करते हैं, तो भाई वो जाने से पहले कोड जो है वो कमिट करके जाइएगा, अगर आप करके जाते हैं तो। वो क्या होता है कि जितना भी काम किया, ये दिन में आप दो दो बार भी कमिट कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट को, यार सुबह से काम किया, लंच टाइम तक कमिट कर दिया, क्योंकि ऐसा हो सकता है खुदा ना खास्ता लंच टाइम तक काम किया आपने और सिस्टम खराब हो गया, तो आप एहतियातन जो है आग लग गई, कुछ भी होता। अब आग लग गई ना तो वहां पर वो पहले लिखा होता था ना वहां पर यार, वो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है ना कि फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करें और भाग जाए। अब वहां पर ये भी लिखा होता है कि भाई पहले सोर्स कोड जो है ना कमिट पुश करें और फिर भाग जाए। तो ये आप कमिट करते, अभी तक हमने कोई कमिट किया नहीं है तो इसलिए नो कमिट। दूसरी चीज ये बोल रहा है अनट्रैक फाइल्स। अनट्रैक फाइल्स क्या होती है? अनट्रैक फाइल्स वो होती है, जैसे मैंने कहा ना कि अभी हमने अपने यहाँ पर फोल्डर में जो गिट है उसको क्रिएट कर लिया है, गिट यहाँ मौजूद है, बट कोई भी फाइल अभी गिट के पास नहीं गई है, गिट के पास नहीं गई। यानी मैं इसको और आसान करने के लिए समझाऊंगा, तो ये यूं होता है कि भाई कौन खाना वाना पका रहा है, खिला तो बता दें। अब हमारे पास जो है जो ये यहाँ पर फाइल्स पड़ी हुई है कुछ, मैं कह रहा हूँ भाई फाइल वन है हमारे फोल्डर के अंदर, फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री, फाइल फोर, बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई ये, और ये हमारा एक फोल्डर है, ये फोल्डर है। अभी थोड़ी देर के अज्यूम कर रहे हैं गिट यहाँ बैठा हुआ है, ये हमारा गिट जो हमारे उसी वर्किंग डायरेक्टरी में है। मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए बाहर दिखा, तो हमने क्या करना पड़ता है कि अपने गिट हमने अपने वर्किंग डायरेक्टरी में बिठा तो दिया, ये हमारी फाइल्स है, बट ये फाइल्स अभी गिट के पास नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इन फाइल्स को बारी बारी गिट के कंट्रोल में देते जाते, यहाँ ले आते, वहां से यहाँ ले आते। अब ये जो काम होता है ना, इस काम को हम स्टेजिंग कहते हैं। स्टेजिंग इसका एक बड़ा टेक्निकल नेम है। जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब हम छोटी क्लासों में थे वो प्रैक्टिकल वगैरह करते थे, तो वहां पर हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते थे। माइक्रोस्कोप से जब कोई चीज हमें लेंस में हम आंख रखते थे तो जो चीज हमें देखनी होती थी वो हम माइक्रोस्कोप की उस वाली स्टेज पे लाके रख देते थे। यार कोई बहुत ही माइनर सी चीज जो है ना, हम जब उस जगह प्लेस करेंगे तभी हमें नजर आएगी वो, जा रहे उसको स्टेजिंग एरिया कहते थे। तो दिस इज व्हाट स्टेजिंग, हम क्या करने जा रहे हैं, अपनी फाइल्स को गिट के स्टेज पे जो है ना लाने जा रहे हैं। तो जो फाइल्स गिट के स्टेज पर नहीं है वो फाइल्स जो है वो अनट्रैक फाइल्स कहलाती हैं।
ठीक है, और जो स्टेज पर होंगी वो फाइल जो है वो ट्रैक फाइल्स कहलाएंगी। जैसे सर, अभी हमारे पास सवाल है मेरा। हाँ मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा था कि हम लोग फाइल्स को कमिट करते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा ना क्लियर नहीं हो रहा कि मैं अनट्रैक्ड किस फाइल्स को बोलूंगा और कमिटेड किस फाइल को बोलूंगा। मतलब कमिटेड तो मैं उस फाइल को बोलूंगा जिसमें कमिटेड, अभी कमिटेड की बात नहीं कर रहा हूं, अभी कमिट की बात नहीं कर रहा हूं। देखो मुझे मुझे यहां पर अगर गिट से कुछ काम कराना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये सारी फाइलें गिट को ट्रैक करानी पड़ेंगी। ये सारी फाइल्स जो है यहाँ से उठा के गिट के स्टेज पे लानी पड़ेंगी। अब मैं गिट को बोलूंगा कमिट कर दो, वर्जन बना दो इन फाइल्स का, ठीक है। अच्छा अभी दो मिनट अगर आप रुकेंगे ना तो मैं इसको जब करूंगा तो यू विल बी वेरी क्लियर कि क्या बोला है मैंने। अभी ये फाइल्स जो है वो अनट्रैक है, यानी गिट मौजूद है लेकिन फाइल अपने अपनी वो कहते हैं अपनी अपनी मस्ती में। अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पर कुछ फाइल एडिशनल और ऐड कर लेता हूँ फॉर दैट फॉर आवर वर्किंग। एम्प्टी फाइल है ये, मैं यहाँ पे एक और फाइल ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस कमांड को देखो दोबारा कहता हूँ, ये मुझे दोबारा स्टेटस की कमांड चला रहा हूँ, गेट स्टेटस की। अब एरो दबाया लास्ट कमांड। अब देखो ये चार फाइल्स हो गई, चारों जो है वो अनट्रैक है यानी गिट के स्टेज पर नहीं, तो इनको कैसे स्टेज पे ले जाऊं। अब मैं करूंगा गिट एड, एड का कमांड यूज करूंगा और फाइल का नाम डॉट डी ओ सी एक्स कंप्लीट नाम। जैसे ही मैं ये चलाऊंगा कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब जो है ये फाइल जो है उस फोल्डर से या पर्टिकुलर गिट के पास चली गई, ठीक है। मैं इसको यहाँ कमांड नंबर 3 में लिख देता हूँ, git add file name dot extension, मैंने ये कमांड चला दी। अब मैं दोबारा स्टेटस चेक करता हूँ और डिफरेंस चेक करता हूँ। देखो ये वाली फाइल जो है वो ग्रीन हो गई और ये अभी जो अनट्रैक है वो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये रेडी है चेंजेस टू बी कमिटेड, ये चेंजेस हैं ये कमिट होने के लिए रेडी है, रेडी है यानी मैंने उसको स्टेज पे डाल दिया तो उसका मतलब वो चीज रेडी हो गई है कमिट होने के लिए, वर्जन बनने के लिए। लेकिन यहाँ एक और चीज लिखी हुई है कि अगर आपने गलती से इसको स्टेज पे चढ़ा दिया है तो वापस उतारने के लिए आप ये कमांड यूज करेंगे, गिट रिमूव यानी आर एम कैशेड फाइल नेम। तो मैं इसको टू अनस्टेज, मैं यहाँ इस कमांड को भी ले लेता हूँ, अपनी उसका पार्ट बना लेता हूँ। कैशेड फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन टू रिमूव, टू होल्ड ऑन पर आपको मिला। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, गिट आर एम डैश डैश सी एच ए सी एच ई डी कैशेड और फाइल नेम क्या है माय। अच्छा उसका स्टेटस भी बता रहा है कि ये फर्स्ट टाइम है ये फाइल, माय न्यू फाइल बोल रहा है my.docx। मैं ये कमांड चलाता हूँ, ये रिमूव हो गई। अब दोबारा स्टेटस चेक करता हूँ, देखो वापस आ गए नीचे उतर गए रेड हो गई ना, तो ये एक काम हो गया। अब मैं दोबारा करता हूँ गिट एड my.docx, इसको ऐड कर दो, ये ऐड हो गई। cls गिट स्टेटस दोबारा करता हूँ, बार बार चला रहा हूँ इसलिए ज्यादा लग रही होंगी, लेकिन कमांड्स जो हैं वही अभी यहाँ पर टोटल, ये एक दफा कमांड है, ये भी एक दफा, सारी एक दफा की, स्टेटस बार बार चला रहा हूँ। फाइल ऐड करिए रिमूव करिए बस। अब फाइनली क्योंकि एक फाइल जो है वो मौजूद है, अब उसको कमिट करना है
यानी उसका वर्जन बनाना है। अच्छा यहाँ पर वर्जन बनाने से पहले मैं दोबारा इस चीज में आ रहा हूँ, मैं इस फाइल में जाकर चेंजेस कर देता हूँ। मैंने इसलिए वर्ड की फाइल ली थी, मैं इस फाइल के अंदर जाता हूँ और चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। देखो ये चेंज जो है ये गिट फॉरेन डिटेक्ट कर लेगा। अब मैं यहाँ दोबारा स्टेटस चेक करता हूँ, गिट स्टेटस, देखो क्या लिखा हुआ है। सर ट्रैक करना फाइल करना एक ही चीज है, ट्रैक करना और स्टेज करना एक ही चीज है। अब देखो ये कह रहा है माई डॉक जो है ये स्टेज पे मौजूद है, न्यू फाइल, और कुछ मॉडिफिकेशन हुई है इस फाइल में, ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशन जो है हुई भी है। ये आप अगर गिट के थ्रू जाएंगे तो वो ये भी दिखा देगा कि व्हाट इज द डिफरेंस, क्या क्रिएट हुआ है, पहले फाइल में क्या था और इस फाइल में क्या चेंजेस हुई हैं, वो चेंजेस भी ये बता देगा, ठीक है। अब अगर आप वो चेंजेस रिस्टोर करना चाहते हैं वो चेंजेस भी वापस रिमूव कर सकते हैं, मैं आप इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इतना काफी है। तो अब मैं अगर दोबारा गिट ऐड कर दूं, गिट ऐड my dot do dx, ये वाली जो changes हैं ये भी stage पे चली जाएंगी। staging के बारे में बता दिया, किसके बारे में? staging के बारे में थोड़ा सा दोबारा फिर से बोले, दोबारा बोले, आवाज कम आ रही थी सर, staging के बारे में थोड़ा recall कर दिएगा। अच्छा भाई देखो, ये जो ये files यहाँ पड़ी हुई है ना, और ये मेरे पास गिट का फोल्डर है, ये फाइल गिट के बाहर है ना, इन फाइल्स को ये यहाँ पर भी रहेंगी बट इनको समझ लो कि उठा के गिट के अंदर ले जा रहा हूँ, जो अंदर ले जाना है ना इसको स्टेजिंग कहते हैं, और इसके लिए मुझे ऐड करना पड़ा। सही है, गिट तो इसका फायदा क्या होगा? देखो फायदा नहीं है, ये प्रोसेस है ना, जब गिट के पास जाएंगी तो कमिट होगी, स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना होगा ना, ठीक है। अभी फायदा तो गए, वो प्रोसेस है उसका, एक फायदा क्या बताऊँ उसके अंदर, उसके बगैर आगे काम ही नहीं चलेगा, नुकसान है, फायदा तो ये कह जा रहे हैं फाइल ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब अच्छा ये एक फाइल ऐड हुई, व्हाट इफ आई हैव 50 फाइलें मेरे पास है मेरे फोल्डर में, मैं तो थक जाऊंगा एक एक फाइल ऐड करते 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 करते, तो अगर मुझे 50 की 50 एक साथ ऐड करनी है तो मैं क्या करूँ, गिट ऐड डैश ए, ए का मतलब होता है ऑल, तो मुझे याद दे रहा है स्मॉल ए के अंदर चला के देखता हूँ, ठीक है ना, कुछ वार्निंग आ रही है उसको छोड़ दें। अब मैंने क्या किया, क्योंकि वो फोल्डर भी वहाँ पर शामिल है शायद और फाइल भी है, अब मैं दोबारा स्टेटस चेक करता हूँ, देखो सारी एक साथ क्या हो गई, स्टेज हो गई, सारी फाइल्स जो है एक साथ स्टेज हो गई। क्या कमांड चलाई मैंने, यहाँ लिख देता हूँ एक्सक्यूज मी सर, आप इस टेक्स्ट फाइल को अपलोड करेंगे ड्राइव पर? हाँ, कमांड में रखे मैंने, क्या करना है आपको, देना ही है तो गिट ऐड फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन टू अपलोड अ सिंगल फाइल, या मैंने ऐड कर दिया सिंगल फाइल, और मैं गिट स्टेज आप ही काम करेंगे, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, गिट एड माइनस ए टू अपलोड ऑल फाइल्स इन वन गो, सारी फाइल ऐड, ठीक है सर। अब आखिरी कमांड रह गई हमारे पास वर्जन कंट्रोल बनाने के लिए, वर्जन बनाने के लिए बेसिकली, वो कमांड क्या है, वो अब ये है कि मैं यहाँ लिखूंगा कमिट कि मैं अब वर्जन बना रहा हूँ माइनस एम, एम का मतलब होता है मैसेज, कि मैसेज क्या लिख रहे हैं, ताकि हर कमिट के आगे मैसेज लिखा हुआ होगा तो पढ़ने वाले को और आपको भी पता रहेगा कि मैंने इस वर्जन के अंदर क्या चेंजेस की है और क्या क्या मॉडिफिकेशन की है, सो दैट एवरीवन, जो कोई और भी देखेगा उसको पता चल जाएगा, पहले कमिट में ये हुआ था, दूसरे कमिट में ये हुआ था, तीसरे कमिट में ये हुआ था। जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं पहली दफा,
वर्जन कंट्रोल सिस्टम या गिट को इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्ट के स्टार्ट में, तो हम लिखते हैं इनिशियल कमिट। उसका मतलब होता है कि यहाँ से प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, लेकिन चूंकि हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं तो हम ये कह लेते हैं कि भाई क्लास 8 पाइथन, ठीक है, ये हमने दे दिया। अब मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ और ये देखिए, ये आपको कुछ चीजें दिखा रहा है, ये बता रहा है 4 फाइल्स चेंज, 490 इंसर्शंस लाइंस वाइज मिला के। ये है कमिट आईडी, क्योंकि हर फाइल एक साथ कमिट हुई है, स्टेज हुई है, तो हर फाइल का जो कमिट आईडी है वो एक ही आ रहा है। अगर आप अलग अलग करेंगे तो शायद ये अलग अलग आए, ठीक है। तो ये हो गई कमिट थी, ये वो एक साथ पहले स्टेज कर दी, फिर आपने उनको कमिट करा, इन चारों को कमिट करके गेट कमिट और उसका मैसेज लिख दिया। तो जो भी कुछ स्टेज पे होगा यहाँ पर, ये जो भी कुछ यहाँ पर होगा, जो मैंने यहाँ से लेकर वहां डाला था स्टेज के ऊपर ऐड कराया था, अब ये यहाँ से क्या होगा भाई, ये यहाँ से निकलेगा और इसका पूरे का एक वर्जन क्रिएट हो जाएगा और स्टेज खाली हो जाएगा। स्टेज क्या हो जाएगा, खाली, अब स्टेज पे कुछ नहीं बचेगा। वो फाइलें यहाँ तो रहेंगी जा रहा है, वो तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए वहां भेजी है कॉपी बना के, ठीक है, फोल्डर में तो रहेंगी, लेकिन स्टेज जो है वो कमिट होने के बाद खाली हो जाएगा। लेट्स सी स्टेज, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ गेट स्टेटस, देखो स्टेज खाली हो गया, ब्रांच मास्टर में हूँ, कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं है, पूरा वर्किंग ट्री जो है वो खाली हो चुका है, क्योंकि अब हमने स्टेज से आगे भेज दिया उसको। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? या हाँ बिल्कुल पूछे। सर ये जो मैसेज आपने जैसे इस पे लिखा था इनिशियल प्रोजेक्ट या क्लास 8 पाइथन, फॉर एग्जांपल अगर इस मैसेज में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, नहीं जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक लिखे, मतलब अपना नाम लिखे, हाँ इट्स जस्ट अ स्ट्रिंग। ओके सर थैंक यू। तो ये हमारे लोकल सिस्टम के अंदर जो हमारा वर्जन बन गया, पहला वर्जन। अब क्या हुआ, अब मैं कल सुबह दोबारा ऑफिस आया, मैंने क्या करना है यार, मैंने यही वाली फाइल के अंदर दोबारा काम किया, कहाँ ये फाइल, यहाँ पे चल रही है, ठीक है, और काम किया मैंने, फॉर एग्जांपल यही वाली चीज मैंने कॉपी करके जो है यहाँ पेस्ट कर दी, एडिशन हो गया काम के अंदर ना, इट्स एन एडिशन। तो ये काम मैंने कर दिया, फाइल में अपडेट हो गई। अब मैं वापस आया अपने वर्किंग फोल्डर के अंदर, क्योंकि ये काम मैंने किया है तो आज का वर्जन दूसरा होगा, आज की डेट का वर्जन। क्या करूंगा कि गेट सबसे पहले स्टेटस चेक करूं, फाइल अभी सेव नहीं हुई है शायद, सेव एंड चेक पॉइंट, कुछ भी लिख सकते हैं जो जिससे आपको क्लियर मैसेज चला जाए कि व्हाट हैपेंड इन दिस वर्जन, क्या हुआ इस वर्जन में। देखो अब ये मॉडिफिकेशन आ गई, ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, फटाफट मैंने क्या किया, गेट एड डैश ए एड हो गई। अब फाइनली मैंने क्या करना है, गेट कमिट माइनस एम, ठीक है, सम न्यू कोड एडेड फॉर एग्जांपल। सर आपने पहले इसको स्टेज नहीं किया, गेट ऐड किया ना मैंने ये कमांड चलाई ना, गेट ऐड ऑल चलाई ना, सही सारी ऐड हो गई। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, गेट बस get commit minus m, I have added a two line log code, ठीक है, ये आज का वर्जन बन गया, ठीक है।
अब ये हमारे लोकल सिस्टम में बन रहा है ना, हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको लोकल से रिमोट वर्जन ले जाना चाहते हैं, क्लाउड पे ले जाना चाहते हैं, सो दैट हमारे काम जो है वो हमारे क्लाइंट के लिए भी विजिबल हो जाए और हम भी कहीं से भी उसको एक्सेसिबल एक्सेस करके जो है वो काम स्टार्ट कर सके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो सेव हो जाए, ज़ाया ना हो जाए इन केस ऑफ एनी मिसहैप। ठीक है, तो अब हमने क्या, अब हमने दूसरा फेज जो है वो कंप्लीट करना है। हम गिटहब पे जाएंगे, गिटहब पे आप अपना साइन अप करेंगे, अकाउंट वगैरह बना लेंगे, साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद ये कह रहा है ईमेल आएगी, कहाँ आएगी, सर जो फाइल्स हमने कमिट कर ली हैं मैसेज के साथ वो हमारे लोकल सिस्टम पे सेव होंगे। सर अगर हम लोकल सिस्टम से उन सिस्टम उन फाइल्स को एक्सेस करना चाहें तो उसी वर्किंग डायरेक्टरी से ही मिलेगा हमें? लोकल सिस्टम में उस फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं वो तो आपके फोल्डर में पड़ी ही ना बेटा, आपके पास ही है ना। ओके, वो तो फोल्डर में तो एज इट इज रखी हुई है ना, ये रखी हुई, बस आपका वर्जन बन चुका है वहां पर। आप इन केस मैंने जो चेंजेस की हैं, ये वाली चेंजेस मैंने की हैं, इससे मेरा पूरा, अब सुनिए केस सुनिए, अब इससे ये मैंने आज चेंजेस करी हैं और आपने मुझे पीआर बना के भेज दी कि सर ये मैंने काम कर लिया, इसको चेक कर ले, मर्ज कर दें। मैंने रिजेक्ट कर दी कि भाई ये काम सही नहीं कर रहा है, एरर आ रहा है। आपने अपनी ब्रांच के अंदर तो नया वर्जन बना लिया था, अब आप कल सुबह दोबारा जब आएंगे तो आप कह रहे हैं यार ठीक है कल का काम ज़ाया हो गया, जो मैंने कल से पहले दिन काम किया था ना वहां से शुरू करते हैं। तो आप उस डेट का वर्जन ले लेंगे और वहां से दोबारा से काम करना शुरू कर देंगे, जहां तक आपका काम बिल्कुल सही चल रहा था। जहां से आपका काम खराब होना शुरू हुआ, जिस डेट से या जिस कमिट से, हो सकता है आपने 4 बजे जो कमिट किया बिल्कुल सही था, लेकिन 6 बजे जो कमिट किया उससे काम खराब हो गया, आपको समझ में भी नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, कोई बात नहीं, 4 बजे वाली फाइल, 4 बजे वाला वर्जन जो जब आप कोई और बुक वगैरह पढ़ेंगे, ये तो मैं बिल्कुल लेमैन की तरह समझा रहा हूँ ना, टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ सो देट सबको समझ में आए, वरना वहां पर वो PR, snapshot और ब्रांचिंग और ये पता नहीं क्या क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जब आप अभी कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और छोटे छोटे कीवर्ड्स जो हैं वो आपके जहन में आ जाएंगे, तो फिर आप बुक से पढ़ें या किसी ट्यूटोरियल को देखें तो ये बिल्कुल इजी अंडरस्टैंड में क्या गया। मैं सेंस में कह रहा था कि हम डेटा को अपडेट करते हैं तो हम नई अपडेट्स चला देते हैं, जब हमें श्योर होता है कि हाँ ये अपडेट्स हो चुकी हैं तो जान कर हम कमिट करते हैं, और अगर हम सेव पॉइंट बनाते रहते हैं तो लास्ट हमें अपडेट तक जाना पड़ता है कि हमने लास्ट परेशान क्यों सर, ये मुझे बताएं कि अगर जैसे मुझे किसी प्रीवियस कमिट पे जाना हो तो मैं किस तरीके से जा सकता हूँ, जैसे मैंने 2 कमिट पढ़ेंगे बताऊंगे ठीक है। अभी एक साइड सीख लेना, एक फ्लो हमारा जो स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहा है उसको लीनियर चलने दे, फिर लीनियर से निकल के जरा हम मल्टी डायमेंशन में जाना शुरू होंगे, पहले लीनियर वाला प्रोसेस जो है उसको समझ लें। अच्छा, अब ये मैंने कमिट कर दिया, अब मैंने इस कोड को क्लाउड पे ले जाना है, और क्लाउड पे ले जाने के लिए मैंने आपसे कहा कि भाई क्या करना है, आपने अपनी जो है GitHub लॉगिन करना है। GitHub में ये आपने क्या करना है, GitHub में आप अपना फोल्डर क्रिएट करेंगे, और अब हम क्लाउड के अंदर फोल्डर नहीं बोलते, क्लाउड के अंदर हम रेपोजिटरी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको रेपो कहते हैं। अब हमने यहाँ पर रेपो क्रिएट करेंगे, रेपोजिटरी शॉर्ट फॉर्म में इसको रेपो बोलते हैं, ठीक है, हम अपनी यहाँ रेपो क्रिएट करेंगे। रेपो क्रिएट करने के लिए एक ये बटन आ रहा है आपके पास न्यू का,
यहाँ से आप रेपो क्रिएट कर सकते हैं, एक ये प्लस का बटन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करें, नई रेपो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा गिट का जो गिट की जो आपकी गिटहब की जो आईडी है ना, दिस इज योर बिजनेस शॉप, ठीक है, ये आपकी दुकान है। दुकान इसलिए है कि यही चीजें दिखाकर आप अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस कर सकते हैं, यही चीजें दिखाकर आप अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हैं मैंने क्या क्या काम किया हुआ है, मैं कितना प्रोफेशनल हूँ, इसके बगैर चारा नहीं है। जब ये आपका पर्सनल पोर्टफोलियो है और आपका प्रोफेशनल करियर पूरा इसके अंदर है कि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, रेपोज बनी हुई है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आपकी करियर प्रोग्रेशन आपकी रेपो से नजर आएगी, जो कुछ आपने सीवी में लिखा हुआ है वो कुछ आपकी रेपो में उसका फ्लो नजर आएगा। अब सीवी में आपने कुछ लिखा हुआ है कि यार मैं तो 2 साल से मशीन लर्निंग पे काम कर रहा हूँ, और रेपो में कोई बंदा आएगा आपकी गिटहब के ऊपर आएगा, पहला कोड ही आपने आज कुछ करना सीखा, तो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट, तो आपको उसको फिर अलग से कन्विंस करना पड़ेगा, जो बड़ा मुश्किल काम होगा। तो दिस इज योर प्रोफेशनल शॉप है, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो है, तो आपने जो अपना यूजर नेम बनाना है वो बड़ा ही प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर नंबर्स ना हो तो अच्छा है कि आखिर में 1 2 3 बोल लेगा, बादों बाद आईडी नहीं बन रही होती ना, तो 6 7 8 9 10 कुछ डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं आगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अपने नाम से बनाए अपने यूजर आईडी और क्लियर हो, साफ जो है ना पढ़ने में आ रही हो, जिससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, प्रोफेशनल आदमी लगता है। फिर दूसरी चीज है, आपने इस पे तस्वीर लगानी है अपनी, ठीक है, अपनी इमेज अपलोड करनी है, क्योंकि इमेज जो है वो आपकी बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है, किसी जो है ना पेट एनिमल की नहीं, वो तो लगा ही नहीं सकते, अपनी भी लगाएं तो शादी वली में की ना लगा दें, ये बारात जा रही है और आप चुग्गा पहन के पड़े हैं, तस्वीर लगी हुई है, या आप किसी प्रोग्राम में बैठे हुए तस्वीर लगी हुई है, प्रोफेशनल लगनी चाहिए। देखो जब मैं कहता हूँ प्रोफेशनल लगनी चाहिए, तो देखिए फेस वैल्यू अच्छी हो ना हो, बट जो प्रोफेशनल तस्वीर होती है दैट इम्पैक्ट्स अ लॉट, जो फोटोग्राफर होता है वो बनाता है। लाइक मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप यहाँ लिखेंगे हेडशॉट्स, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पीपल आर नॉट सो ब्यूटीफुल या इतने फोटोजेनिक नहीं है, बट तस्वीर जो है ना वो आला आ रही है। बैकग्राउंड देख लें, लाइटिंग इफेक्ट देख लें, कोई एक ऐसी तस्वीर जो बना लें, हंसते हुए हंस दांत नजर आ रहे हैं बट प्रोफेशनल लग रहा है बंदा, ठीक है ना। आप ये इस तस्वीर को आप देख लें, मतलब हम अपने लिहाज से इसको ये नहीं कह सकते कि यार आदमी बड़ा खूबसूरत आदमी है, लेकिन तस्वीर जैसी खींची हुई है, जैसा उसका लुक आ रहा है, इट शोज के कोई प्रोफेशनल आदमी है, कोई जो है ना अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है। इस तरह खातून में भी ऐसे ही, ठीक है ना, तो अच्छा बैकग्राउंड या प्योर वाइट बैकग्राउंड है या इस तरह शेडेड जरा बैकग्राउंड करके, जो आमतौर पर तस्वीर खींचता है वो 150 रुपये, उसको बोले यार 200 रुपये दूंगा भाई, 2-3 ट्राई मार, अच्छे बैकग्राउंड, अच्छी लाइटिंग डाल चेहरे पे, तो अच्छी तस्वीर जो है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। इट ऑल ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं दैट क्रिएट्स अ गुड इम्पैक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तस्वीर देख के ही कोई आपको प्रोजेक्ट देगा, बट एंट्री पॉइंट तो यही है ना, जब कोई आपका प्रोफाइल देखेगा तो पहला जो है वो आपकी आईडी, आपका यूजर नेम और फिर तस्वीर, फिर उसके बाद प्रोफाइल पे आ रही, ठीक है जी। इजान पूछे सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ये गिट के लिए जो आपने भी समझाया था ये कमांड वाला, इसके लिए आप स्पेसिफिक वीडियो अगर यूट्यूब पर डाल देंगे सर, ये थोड़ा ऊपर से गया है। एक करोड़ वीडियोस पड़ी हुई है, ठीक है, मैं तो सिर्फ इसलिए पढ़ा दिया, कि आप अभी अपना कोड जो है गिटअप पे डाल लें, वरना ये आपको मॉड्यूल खत्म होने के बाद पढ़ना है, गिटअप का एग्जाम भी जो है ना छुट्टियों के दरमियान हुआ इसका, बट मैं अभी इसलिए यहाँ पर ऐड कर दिया है, अगर अभी से गिट इस्तेमाल करना शुरू करते हैं,
सही है सर, अभी तो जितने भी असाइनमेंट हैं इसके अंदर डालें। हाँ, अब आपने अपनी फाइल्स गिटहब पे अपलोड करी और क्लाउड पे भेज दी। अब मैं आपको जो रेपो क्रिएट करना बता रहा हूँ। सही है सर, यहाँ प्लस पे किया मैंने, नई रेपोजिटरी आप क्रिएट की। देखो यही ऑनर यूजर नेम आ रहा है, रेपोजिटरी का नाम क्रिएट करे, ठीक है। अब मैं यहाँ कहता हूँ पी आई ए आई सी ऑनलाइन क्लास, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी डाल लें कि भाई ये क्या है, फला फला है ये। पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको, अगर ये नाम मालूम है कोई भी उसको एक्सेस कर लेगा। प्राइवेट में वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा पहले, फिर आप उसको अलाउ करेंगे। बाकी अभी कोई फाइल ऐड नहीं करनी है, रीडमी इग्नोर कुछ नहीं करना है, क्रिएट रिपोजिटरी करते हैं। रिपोजिटरी क्रिएट हो गई, क्रिएट होने के बाद ये मेरी रिपोजिटरी का URL है github.com, ये मेरा यूजर नेम, ये ऑनलाइन क्लास गेट, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया फॉर द टाइम बीइंग। ये यहाँ पर भी बता रहा है क्या क्या करना है, गेट इनिट करना है, कमिट करना है, ब्रांच मेन में है। अब आपने क्या करना है, देखो ये मेरा लोकल सिस्टम है ना, और ये मेरा रिमोट सिस्टम है, क्लाउड पर है, दोनों को हमने क्या करना है, कनेक्ट करना है। उसके लिए कमांड जो है वो यहाँ बताई हुई है, ये कमांड भी मैं, जब आप रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे तो फौरन ये कमांड आ जाएंगी, दोबारा नहीं आएंगी, तो इसलिए मैं इसको यहाँ लिख भी देता हूँ। ये रिमोट तो अपने ओरिजिन के साथ क्या कर रहे हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं, और रिमोट है क्या, ये पूरा लिंक है जो मैंने कॉपी किया था वहां। अब मैं यहाँ पर यही कमांड लिख रहा हूँ, रिमोट एड ओरिजिन, और जो लिंक मैंने कॉपी किया उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। तो आई एम कनेक्टिंग माई लोकल सिस्टम टू माई ऑनलाइन रिपोजिटरी, ये एक दफा की कमांड है बस, ठीक है। ये क्या कह रहा है, सर आपने दो बार लिख दिया उसने। अच्छा अच्छा, चलो दोबारा चला देते हैं। कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब ओरिजिन जो है वो एड हो गया। मैं चेक भी कर सकता हूँ गेट रिमोट लिख के, मैं एक साथ दो तीन ओरिजिन भी एड कर सकता हूँ। ये मुझे बता रहा है कि आप ओरिजिन जो आपने एड किया भाई, अगर दो तीन होंगे तो दो तीन भी कर सकते। अब मैंने ये कमांड यहाँ लिख दू, सेवन गिट, अब ये आखिरी काम है बस, गिट पुश माइनस यू और मास्टर, अब मास्टर ब्रांच को जो है पुश कर रहे हैं वहां पर, यहाँ पर भी आ रहा है गिट पुश ओरिजिन मेन, हमारी मास्टर ब्रांच नाम है उसका, तो हम इसको मास्टर कर देंगे। ये कह रहा है लॉगिन करो भाई, पता नहीं तुम कौन हो, किसी की रिपोजिटरी के अंदर जो है ना वो फेंकना चाह रहे हो, एक बार तो ये मांगेगा। लॉग इन फेल्ड हो चुके, पता नहीं क्या पासवर्ड है यार, यूजर नेम पासवर्ड भूल जाता हूँ असल में। हाइड कर दें सर पासवर्ड, दीजिए नहीं हाइड, ये ऑटोमेटिकली हाइड, ऑथेंटिकेशन फोल्ड, क्या मसला है, अच्छा पासवर्ड निकालना पड़ेगा।
ये आप रिपीट कर लीजिएगा बस, ये लॉगिन में जाके वहां पर यार मेरी इस रिपोजिटरी में कुछ ऐसा पड़ा नहीं, पासवर्ड भी बच्चों ये स्टूडेंट्स के लिए ही है सारे फाइल वगैरह ऊपर आने। आपके पास क्या किया है आवाज नहीं आ रही ना, अभी फाइल अभी पुश नहीं हुई ना, उसने पुश नहीं करी ना। मैं एक मिनट करता हूँ साइन आउट कर सकता हूँ आपसे। जी जी बोले सर, ये आप जो ये रिपोजिटरी अपनी जो बनाएंगे तो इसमें आपने जितने भी लेक्चर्स आपके हैं लोकल फोल्डर पे अगर उनको इस पे सिंक कर देंगे तो सर इसमें आसानी हो जाएगी। यही करने जा रहा हूं मैं, जो ड्राइव का लिंक दिया हुआ है ना, अब वो ड्राइव से निकल के मैं उस पे जाने वाला हूं गिटहब पे। सर व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर अस्सलाम वालेकुम से लेके और तमाम पिक्चर्स तक की चीजें आती हैं, वो काम की चीज तलाश करने में ना बंदा पागल हो जाता है। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। वो जो उसने क्या कहते हैं क्लाउड के ऊपर जो उसने मास्टर ब्रांच बनाई उसका नाम मेन रखा हुआ है, और हमारी जो ब्रांच है वो मास्टर के नाम से है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है एक के साथ वो आप चेंज करके भेजेंगे ना वो होगा, वो बाय डिफॉल्ट उसका नाम मेन कर दिया, पहले वो भी मास्टर रखते थे, अब अपडेट कर दिया, मसला नहीं। नेक्स्ट को दोबारा ये लॉगिन हो गया तो ठीक है, वरना सर इसको कमांड प्रॉम्प्ट से खोलना जरूरी है, हम एक्सटर्नली किसी सोर्स से नहीं कर सकते क्या चीज सर? ये गिट का अभी कमांड से सीख लें, कमांड से इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, तो जब आप मुश्किल सीख लेंगे तो फिर बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। जी ये हो नहीं रहा लेकिन ये पुश हो जाएगा तो आप अपने पास कर लीजिएगा, वरना फिर हम दोबारा जो है ना इसको अगली क्लास में थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे, पुश कर लेंगे। अभी पासवर्ड मुझे याद ही नहीं आ रहा, इसको चैट लगा सेटिंग में शायद गूगल पे जाके मिल जाए। सर ये आपने आगा हुसैन की जगह आगान हुसैन लिख दिया सर, नाम एन एन हुसैन ही, एन हुसैन ही, एन हुसैन ही। गेट 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 से मिल जाएगा, अब चल जाएगा। तो क्या करने लगा था मैं, कुछ पुश चला रहा हूँ, कोई बात नहीं बेटा उसमें चेंज कर लेंगे। मेरे नाम पे कौन सी जायदादें हैं यार, कितना भाई सर वो सुना है कि AI जायदादें बनाता है, फिर क्या हुआ? बता दो भाई सर को पासवर्ड क्या टाइप करना है। हाँ यार मैं तो अभी भी नहीं हो रहा है, किसी ने देखा था क्या था सर? पाकिस्तान प्लस 2019। सही है, बहुत बड़े बड़े फनकार बैठे हैं। कौन है ये बंदा यार, तो मुझे वीएला सेक्शन भी वीडियो में से एडिट करना पड़ेगा। मैं पासवर्ड चेंज कर लेना,
सर ये पार्ट क्या करते हैं सर, समझ तो कुछ आएगा नहीं। कोई नहीं हो रहा यार, सुनो अब पूरी कर लेना उसको, पुश का वाला काम जो है ना सर, वो जहाँ से आपने पासवर्ड टू किया ना वो अपडेटेड नहीं है, हो सकता है पुराना आ रहा हो, पुराना अगर बचा तो उसमें। सर आपको टोकन यूज करना होगा ना, टोकन पासवर्ड से, पासवर्ड से पुश करने का इन्होंने डिसेबल कर चुका है, आपको गिटहब वगैरह पे एक्सेस टोकन जनरेट करना पड़ता है, बाद में उसे यूज करना पड़ता है। यार वो मैं करना नहीं चाह रहा ना, अभी वो मुश्किल हो जाएगा ना फिर लोगों की समझ में, फिर वो भी समझाओ बैठ के। सर डायरेक्ट तो आप कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने वो बंद कर चुके हैं ये काम, पासवर्ड आप यूज करके नहीं कर सकते एक्सेस टोकन के बगैर। चलो ठीक है, इसको आप खुद ही देख लेना आगे, ये फाइल में डाल देता हूँ वहीं पर अपने ड्राइव के ऊपर। बाकी जो मसले आएंगे उसको देख लेंगे वहां पर ग्रुप में, ठीक है। कोई और सवाल है किसी का? सर रिपोजिटरी कल प्लीज अपडेट कर दीजिएगा। सर रिपोजिटरी सर ये अपडेट कर दीजिएगा क्योंकि फिर, और इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि फिर हम यहीं से मतलब मुझे भी आसानी हो जाएगी और सबको भी आसानी हो जाएगी अगर वो GitHub के सारी फाइल्स जो है वो GitHub पे डाल दो ताकि GitHub से सारी यूज्ड हो जाए। जी सर बहुत शुक्रिया सर। सर एक क्वेश्चन था फंक्शन के रिलेटेड। हाँ बोलो। सर ये जो पैरामीटर होता है दूसरी लैंग्वेजेस में होता है कि हम उसको वो उस पे चेक लगा सकते हैं कि ये यहां पे इंटीजर वैल्यू आएगी या स्ट्रिंग आएगी। हां ये वो उसमें वो टाइप में नहीं लगा सकते, लैंग्वेज वो टाइप लैंग्वेज होती है ना उसमें टाइप मैटर करती है, और अभी जो है ना ये पाइथन टाइप लैंग्वेज नहीं है तो अच्छा, चेक लगाने के लिए चेक तो आप इंस्ट्रक्शन उसे दे सकते हैं फंक्शन के अंदर आगे जो है ना डैश लगा के फिर ब्रैकेट लगा के बता सकते हैं कि यार ये होगा ये होगा, लेकिन यूजर फिर भी दूसरी भेज सकता है, वो रोकता नहीं है उसको भी। ओके सर। लेकिन ये कि उसके इंस्ट्रक्शन चली जाती है। तो ये लॉगिन एक्सेस कोड के बगैर नहीं होता। ओके। हो गया। चलो ठीक है। फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। असाइनमेंट बहुत सारे आने वाले हैं आप लोगों के पास। अच्छा असाइनमेंट के हवाले सुन लो कि एक तो सारे कोड जो असाइनमेंट के हैं वो सारे GitHub पे डालने हैं आपने, ठीक है। नंबर टू, बुक में जितने कोड और एग्जाम्पल हैं क्रैश कोर्स की बुक में वो भी आप लोगों ने सबने उनको जुपिटर नोटबुक बनानी है और वो GitHub पे डालने हैं, ठीक है। मैं अभी अपडेट कर देता हूँ ग्रुप के अंदर भी मैसेज कि ये काम करना है, दोनों काम, बुक के एग्जाम्पल्स और कोड्स जो एक्सरसाइज कोड हैं जो करने के हैं और एग्जाम्पल जो बुक में की गई हैं वो जहाँ तक हमने पढ़ लिया है चैप्टर 7 तक, और चलो हाँ इसमें नजर नहीं आ रहा, मैं डाल देता हूँ। सही है सर, थैंक यू सर। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।